أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون आज सुबह जब नमाज के लिए बाहर निकला और बारिश देखी तो मान मैंने अपने दिल को टटोला कि मेरे दिल में कहीं खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई शिकवा तो नहीं रहा पा गया और बेख्तियार दिल से हमद निकली कि शिकवे का कोई शायबा तक भी वहां मौजूद नहीं था। दिल की किसी गहराई में किसी कोने में बल्कि शुक्र ही शुक्र था, उसके सिवा कुछ नहीं था। मान मेरी तबीयत हम्द के साथ दुरूद की तरफ माइल हुई कि कैसा मोहसिन आज़म है, कितनी अजीम शान तालीम हमें दी राजिया तम मर्जिया रहने की कि मोमिन किसी हाल में शाकी हो ही नहीं सकता। अजीब तालीम है कि जिसने खुदा से बंदों को ऐसा राजी कर दिया है कि खा उसका रहम हो, उसका फजल हो या इब्तला हो, हर हाल में मोमिन राजी रहना ही जानता है, इसके सिवा उसको कुछ तालीम नहीं दी गई। अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला का बे इंतहा एहसान है कि इस दुनिया में मोमिनों की ये जमात ऐसी है कि हर मुश्किल हर इम्तिहान में भी अल्लाह से राजी रहती है और हर रहमो करम और फजल के नज़ारे पर भी अल्लाह से राजी रहती है। जिन बंदों में ये राजियत मर्जिया की सिफत पैदा हो जाए उनको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती।
क्योंकि जिंदगी का खुलासा यही है और यही रूह है कि खालिक से मखलूक राजी हो जाए और इतना राजी हो कि खालिक अपनी मखलूक से राजी हो जाए। एक और पहलू से भी मेरा दिल हम्द की तरफ मायल हुआ और वो ये था कि मैं जानता हूं कि हजरत अकदस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जमात ऐसी मुखलिसीन की जमात है, ऐसी कुर्बानी करने वाली जमात है कि अगर इस जमात का इमाम इनको कहे कि खा बारिश हो, खा तूफान हो, खा बर्फबारी हो रही हो, खा ओले पड़ रहे हों, तुम आओ और खुले मैदान में बैठ जाओ, तुम में से अमीर भी आए और गरीब भी आए, बूढ़े भी आए और बच्चे भी आए, मर्द भी आए और औरतें भी आए, तो मैं जानता हूं कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जमात एक लम्हा भी तरद्दुद नहीं करेगी। यह अलग बात है कि गरीबों, कमजोरों, लाचारों का ख्याल करके दिल आमादा नहीं होता ऐसा हुक्म देने पर, मगर जहां तक जमात के रद्द अमल का ताल्लुक है उसका बेहतरीन इजहार आज ही एक फिक्रे में एक दोस्त ने यूं किया कि यह तो ऐसी जमात है जिसके इखलास से डर लगता है, हैरत अंगेज इखलास है इस जमात में, खुश्की हो, तरी हो, इस जमात को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन लोगों में से तो नहीं हैं जिनके मुतल्लिक आता है कि किसी एक सिखों की टोली का गड्ढा फंस गया कीचड़ में और उन्होंने सत श्री अकाल के नारे लगाए, बाद दूसरे गुरुओं के नारे लगाए, बहुत जोर मारा, लेकिन वो उनकी ताकत से बाहर काम था, गड्ढा नहीं निकल सका। इत्तेफाक से मुसलमानों की एक टोली गुजर रही थी, उसने भी धक्का लगाया और साथ या अली का नारा भी लगाया, क्योंकि आदमी भी ज्यादा हो गए थे, वो गड्ढा निकल आया। तो उन सिखों ने आपस में ये कहा कि है तो गुरु हमारा बहुत अच्छा लेकिन खोबे दा माड़ा है, यानी कीचड़ में नहीं ये चल सकता गुरु, हम ऐसे गुरु के मुरीद नहीं हैं, हमारा आका खोबे का माड़ा नहीं, तो हर चीज पर हावी और ताकतवर है। ऐसा कामिल उस्ताद है जिसने हमें उन लोगों में शामिल नहीं किया जिनके मुतल्लिक फरमाता है कि अज़लमा अलैहिम क़ामु, कि जब उन पर अंधेरे आते हैं तो खड़े हो जाते हैं। हम तो अंधेरे आए तब भी चलना जानते हैं, रोशनियां आए तब भी चलना जानते हैं, बारिश हो, तूफान हो, तब भी हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, खुदा की तरफ से रहमत की धूप निकले तब भी हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। तो ये मज़मून सोचते हुए मेरा दिल और भी ज्यादा हम की तरफ मायल हो गया। आज मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है वो बहुत ही वसी मजमून पर हावी है। अल्लाह ताला फरमाता है इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए दिल कुर्बा, कि अल्लाह ताला तुम्हें अदल की तालीम देता है लेकिन यहीं तक पहुंचकर छोड़ता नहीं, आगे बढ़ाता है, फिर एहसान की तालीम देता है, फिर इताए दिल कुर्बा की तालीम देता है, यानी एहसान की उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां एहसान करने वाले को एहसान का एहसास तक नहीं रहता, वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जैसे मां बच्चे के लिए खर्च करती है, बच्चे के लिए कुर्बानी देती है और ये महसूस नहीं करती कि वो मोसिना है, बल्कि बच्चा कुर्बानी कबूल कर ले तो वो खुद समझती है कि मुझ पर एहसान हो गया। ये इताए दिल कुर्बा की तालीम है। और फिर तीन मनफी सिफात बयान फरमाई मोमिनों की, या वो तालीमात की मनफी सिफात जो अल्लाह ताला, जिनकी अल्लाह ताला अपने बंदों से तवक्कु रखता है। फरमाया यनहा अनिल फाहशाए वल मुनकर वल बगी, उसी के मुताबिक हर उस सिफत के मुकाबले पर एक बदी की सिफत बयान फरमाई और फरमाया कि ये मोमिन बंदे ऐसे हैं कि खुदा ताला इनको फाहशा से भी रोकता है, मुनकर से भी रोकता है और बगी से भी रोकता है।
یہ اتنی وسیع آیت ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے کہ جب میں نے اس آیت کو انتخاب کیا آج کی تقریر کے لیے تو مجھے خیال آیا کہ اس سال صرف پہلے آدھے حصے پر کچھ کہوں گا. پھر جب میں نے غور شروع کیا تو مضمونوں کے جہان قرآن کریم کی طرف سے کھلتے رہے. یعنی ایسی ایسی کھڑکیاں کھولیں اس آیت نے مضمونوں کی کہ ہر کھڑکی میں سے ایک نیا جہان نظر آتا تھا علم و معرفت کا. پھر میں نے سوچا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس نصف آیت پر میں درس دے سکوں, بہتر ہوگا کہ صرف عدل سے متعلق میں کچھ کہوں. پھر جب عدل کے مضمون پر غور کیا تو یہ مضمون اتنا وسیع ہوا کہ یوں معلوم ہوا کہ ساری کائنات پر محیط ہے. اور واقعتاً جیسا کہ میں بیان کروں گا یہ کوئی دعویٰ نہیں, حقیقتاً ایک ایک لفظ قرآن پر مبنی ہے, اور عدل کا مضمون جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ بلا شبہ ساری کائنات پر وسیع ہے, اس کی وسعتوں پر بھی اور اس کی لطافتوں پر بھی حاوی ہے. کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کائنات کا جس کو یہ مضمون چھوڑتا ہو. پھر میں نے اور قید لگائی اور یہ سوچا کہ جہاں تک اقتصادیات کا تعلق ہے وہ حصہ پھر کسی وقت کے لیے رہنے دوں, اور اس کے سوا جو حصہ ہے وہی بیان کر دوں. لیکن جب اس پر جتنا مجھے وقت ملا غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی تفاصیل بتانے کا یہاں وقت نہیں ہوگا. چنانچہ بہت سے حصے جو میرے ذہن میں حاضر تھے, میرے علم میں تھا کہ کن کن کتابوں میں وہ مواد موجود ہیں, ان کو نظر انداز کرنا پڑا. اس لیے آج اللہ تعالیٰ فضل فرمائے جتنی دیر بھی ہم اس مجلس میں بیٹھ سکیں بیٹھیں گے, کیونکہ آج انسان کو اسلام کے نظام عدل کی بہت ضرورت ہے. دنیا تصور بھی نہیں جانتی کہ عدل کہتے کس کو ہیں. دنیا کی ساری بیماریاں عدل کے فقدان کے نتیجے میں ہیں, اور اتنی شدید ضرورت ہے سارے عالم کو کہ اگر ہم نے عدل کی تعلیم ان کو نہ دی اور قرآن کریم کی حسین تعلیم سے روشناس نہ کروایا تو یہ دنیا جہالت میں مر جائے گی. اس لیے لازماً ہمیں اس موضوع پر دنیا کو قرآن تعلیم سے روشناس کرانا ہوگا. غالباً اسی قسم کے غور کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کے متعلق غور فرمایا تو کہا کہ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے. ایسے مفسر قرآن جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اسے فہم قرآن حاصل ہو, ان کا یہ فقرہ کوئی معمولی فقرہ نہیں ہے. بہت گہری سوچ و بچار کا ماحصل تھا یہ فقرہ کہ گویا یہ آیت سارے قرآن کا خلاصہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی اس آیت سے خاص وابستگی تھی. چنانچہ سب سے پہلے خطبہ جمعہ ثانیہ میں اس آیت کی تلاوت کا رواج حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیا, اور اس پہلو سے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے ہم بعد میں آنے والوں پر. یہ تو مومنوں کا حال تھا, جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان پر بھی اس آیت کا جادو چلا. چنانچہ ولید نے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا واہ کیسی آیت ہے, کیسی رونق ہے اس کے منہ پر اور کیسی بہار ہے. تو سطحی نظر رکھنے والوں کو بھی یہ آیت متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکی. یہ تخلیق کائنات کا ایک ایسا وسیع و عریض اور حسین و جمیل نظام عدل پیش کرتی ہے کہ اسی نظام سے حسن و احسان کا راستہ پھوٹتا ہے, اور اسی نظام حسن و احسان سے عطائق ذی القربا کی حسین مناظر کی طرف راہیں نکلتی ہیں. نباتات کی دنیا بھی اسی نظام عدل و احسان اور عطائق ذی القربا کی تصویر کھینچ رہی ہے, اور حیوانات کی دنیا بھی اسی نظام عدل اور عطائق ذی القربا کی تصویر کھینچ رہی ہے.
और इंसान की दुनिया में जाकर यह मजमून और भी कामिल हो जाता है और उस दर्जे कमाल को पहुंचता है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अदल में भी मुंतहाए कमाल को पहुंचा और एहसान में भी इंतहाए कमाल को पहुंचा और इताए दिल कुर्बा में भी इंतहाए कमाल को पहुंचा। उस रात से बुलंदतर ना अदल का तस्वुर मुमकिन है, ना एहसान का, ना इताए दिल कुर्बा का। जैसा कि मैंने बयान किया, कायनात का कोई जुज भी इस आयत के असर से अलग नहीं। चुनांचे सबसे पहले हम कुरान करीम के लफ्ज़ अदल या मीज़ान या किस्त का मुतालिया करें, जो एक ही मजमून की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो पहले तवज्जो आसमान की तख्लीक की तरफ मुंतकिल होती है। मैं हल्ले लुगात और बहुत से ऐसे हिस्से छोड़ता चला जा रहा हूं, क्योंकि मुझे खतरा है कि अगर मैं उन तफासिल में गया तो और भी ज्यादा वक्त दरकार होगा। निजाम आलम या कायनात में अदल का तस्वुर कुरान करीम में इस आयत में मिलता है, वस्समा रफा ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان کہ ہم نے آسمان کو بہت عرصہ بنایا، यानी बुलंद भी और जीशान भी, और इसकी बुलंदी और शान का इन्हिसार इस बात पर है कि यह मीजान है। ना सिर्फ ये कि अदल पर कायम है, बल्कि अदल की कसौटी है। मीजान में अदल के माने भी हैं और अदल पहचानने और अदल को मालूम करने के लिए जरिया को भी मीजान कहते हैं। तो फरमाया कि अगर तुम अपने रब के अदल के निजाम को समझना चाहते हो तो आसमान की तख्लीक पर गौर करो, वहां तुम्हें एक हैरत अंगेज निजाम अदल नजर आएगा। और देखोगे कि जितना भी हुस्न व एहसान फूट रहा है वो उस अदल पर मबनी है। अगर अदल निकल जाए इस कायनात से तो सारा निजाम दरम बरम हो जाए। जो लफसदा ता का मजमून है कि अगर खुदा के सिवा कोई शरीक हो और इस आसमान में उसका दखल हो तो तुम देखोगे तो ये फट पड़ेंगे। और कुरान करीम फरमाता है कि शिर्क और अदल को तर्क करना एक ही चीज के दो नाम है। तो मालूम हुआ कि उसके नतीजे में, यानी ऐसे जुल्म के नतीजे में कि खुदा का शरीक हो, अदल की मीजान बिगड़ जाएगी और सारी कायनात में तुम फसाद बरपा होता देखोगे। इस मजमून के ऊपर मैंने जो साइंसी हवाले इकट्ठे किए, जैसा कि मैंने बयान किया है, उनकी तफसील में जाने का तो वक्त नहीं है, लेकिन एक आम फहम बात मैं आपको बताता हूं कि कशिश सिकल का जो निजाम है वो हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर बैन ही इतनी ही ताकत का कोई मुतकाबिल निजाम ना हो तो ये सारी कायनात सुकड़ कर एक जगह इकट्ठी हो जाए और बिल आखिर हलाक हो जाए। निजाम अदल की ये हसीन तस्वीर हमें कायनात में नजर आती है कि खुदा ताला फरमाता है, कुल्लू फी फलक ही यस्बहू, हमने हर चीज को एक बैजवी शक्ल में चक्कर दे दिया है। और वो लोग जो साइंस की अलग दे भी जानते हैं, वो जानते हैं कि कशिश सिकल के मुकाबले पर ये बैजवी हरकत ही है जो सारे निजाम को क्लैप्स होने और एक अपने जिस्म पर मुश्तमे होने से रोक रही है। अगर ये बैजवी हरकत कायनात के हर जर्रे में ना हो तो इस कायनात का वजूद ही खत्म हो जाए।
और इतना हसीन तवाजुन है, ऐसा अजीम शान अदल है कि बैन ही जितनी ताकत दरकार है एक सैयारे को एक चीज के गिर्द घूमते हुए अपने मदार पर कायम रहने के लिए, बैन ही उतनी रफ्तार उसको दी गई है। और अरब हा अरब ऐसे मनाजिर इस सारी कायनात में हैं, एक दो या चार की बात नहीं। जब मैं अरब हा अरब कहता हूं तो इस वजह से कि उससे ज्यादा के उर्दू में हिंसे नहीं हैं, मगर जो एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज है उसमें वो जरबे देते हैं और तरीक पर के 10 raised to the power of 100 या 2000, इस तरीक पर उनकी जरबें चलती हैं, वो आम आदमी नहीं समझ सकता। तो हमारे नुक्ता निगाह से काफी है कि अरब हा अरब ऐसे जब ऐसे अज्जाए समावी हैं, अजसादे समावी हैं, जिनके गिर्द दूसरे सैयारे घूम रहे हैं और वो खुद भी सब ऐसी हरकत में हैं कि कशिश शिकल के मुकाबले पर वो बैन ही मुतवाजन कर दिए गए हैं। मसलन जमीन की रफ्तार अगर कुछ बढ़ जाए तो जमीन अपने मदार से निकल जाए, अगर मामूली सी कम हो जाए तो सूरज के अंदर दाखिल हो जाए, चांद की रफ्तार अगर कुछ बढ़ जाए तो जमीन के मदार को छोड़कर बाहर निकल जाए, और कुछ कम हो जाए तो जमीन पर आ पड़े जिसके नतीजे में सारी जमीन हलाक हो जाए। तो ये जो हैरत अंगेज निजाम अदल है कायनात में, इसकी इस कसरत के साथ मिसालें हैं कि लखू खा सफहात उलमा ने इस पर लिखे हैं और लिखते चले जा रहे हैं और ये मजमून खत्म ही नहीं होता। आइंस्टाइन जैसे साइंसदान ने जब इस निजाम पर गौर किया तो उसने कहा कि इतनी हसीन कायनात है, इतनी मुतवाजिन कायनात है कि किसी एक जगह भी कोई खला नजर नहीं आता। एक ऐसी कामिल हस्ती की पैदावार है कि जिसने तवाजुन, सिमिट्री और अदल और मिजान पैदा करके हुस्न ही हुस्न पैदा कर दिया। वो कहता है कि किसी नगमों के आशिक को, किसी नगमों सुरूद के फिदाई को वो लुत्फ नहीं आ सकता उस जीरो बम में, नगमाती जीरो बम में, जितना कायनात के मुतालिया में एक साइंसदान को आ सकता है। हैरत अंगेज तवाजुन, हैरत अंगेज हुस्न, हैरत अंगेज म्यूजिक पाई जाती है। उसने कुरान करीम की दरअसल एक आयत ही के मजमून को अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की। कुरान करीम फरमाता है तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शयइन क़दीर, क़दीरुन अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर अल्लज़ी खलक सब समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्किर रहमान मिन तफावुत फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर तुम मरजिल बसर करते ने यनकल बिलैगल बसरो बड़ी ही बाबरकत जात है वो जात जिसके कब्जे कुदरत में हर मुल्क है। वह आला कुल्ल शैन कदीर और वो हर चीज पर कादिर है। वही है जिसने मौत को भी पैदा किया और जिंदगी को भी पैदा किया, और इन दोनों के दरमियान एक ऐसी जिद्दोजहद शुरू कर दी
यानी मौत की तरफ बुलाने वाली ताकतों और जिंदगी की तरफ बुलाने वाली ताकतों के दरमियान कि उस जिद्दोजहद के नतीजे में एक इर्तकाई अमल में सारी कायनात दाखिल हो गए। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेहतर चीज है वही बाकी बचेगी जिद्दोजहद में और जो कमतर होगी वो खत्म हो जाएगी। इस निजाम का खुदा ने आगाज फरमा दिया। वह अजीजुल गफूर, वो गालिब भी है और बख्शने वाला भी है। वही जात है जिसने सात आसमानों को तबका दर तबका पैदा फरमाया और इस कायनात की वसतों में तुम किसी एक जगह भी रहमान की तखलीक में कोई तफावत, कोई तजाद नहीं देखोगे, कोई रखना नहीं पाओगे। फर्ज इल बसरा हल तराम इन कुतूर, जरा नजर दौड़ा के तो देखो, कितना अजीम शान चैलेंज है इंसान को। उस जमाने में यह चैलेंज दिया जा रहा था जब जमीन और आसमान का तसव्वुर ही कोई मौजूद नहीं था। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर खुदा का यह कलाम जारी हो रहा है, फर्ज इल बसर हल तराम मिन फुतूर। फिर फरमाता है तुम मर्ज इल बसर कर रहे थे, शायद कहीं गलतफहमी ना हो गई हो नजर को, फिर नजर को दौड़ाओ। यनकलिब इलैक अल-बसर खासियन वहुवा हसीर, जलील होकर थकी मांदी नजर तुम्हारी वापस लौट आएगी मगर तुम खुदा की कायनात में कोई फुतूर, कोई नक्स, कोई कमी नहीं पाओगे। जहां तक जमीन और आसमान के दरमियान अदल का ताल्लुक है, वो भी एक हैरत अंगेज निजाम अदल है। यानी आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आज से 1400 साल पहले वो बातें हो रही हैं जिनकी कुनों को आज तक भी साइंसदान नहीं पहुंच सका और उसकी तफासील में जिद्दोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कुछ हासिल भी किया उसने, लेकिन बे इंतहा समंदर हैं मजामीन के जो अभी खुले पड़े हैं। कुरान करीम फरमाता है फ़क़दाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन वहा फ़ी कुल्लि समाइन अम्रहा वज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबिहा वहिफ़्ज़ा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। कि हमने कायन आसमानों की तख़लीक को मुकम्मल करके हर आसमान को ऐसी इस्तेदादें अता की और ऐसे मुय्यन काम उस आसमान के सुपुर्द किए जो उसकी तख्लीक का हिस्सा बने हुए हैं, और हर आसमान उन अहकामात रब्बी, अहकामात खुदावंदी के ताबे अपने अपने दायरा कार में काम कर रहा है। जहां तक तुम्हारे यानी दुनिया वालों के नजदीक के आसमान का ताल्लुक है, तुम्हारे लिए यही जानना काफी है कि यह आसमान तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। किस चीज से हिफाजत कर रहा है, क्यों हिफाजत कर रहा है, इसका तो कोई तसव्वुर इंसान के जहन में मौजूद नहीं था। और अदल देखिए कि एक अदल की तारीफ यह है कि एक जात का नाजायज दखल दूसरी जात में ना हो, एक तारीफ इसकी है, उसके बद असरात से उसको बचाया जाए और जहां तक उसके नेक असरात का ताल्लुक है अगर वो पहुंच जाए तो यह अदल के खिलाफ वर्जी नहीं होती। बैन ही इसी किस्म का एक तवाजुन जमीन और आसमानों के दरमियान किया गया है। जमीन के गिर्द मुख्तलिफ किस्म के हॉल हैं जिनमें से हर हॉल बैन ही अदल के क्याम के लिए एक मखसूस काम कर रहा है जो उसके सुपुर्द अल्लाह ताला ने फरमाया है।
पहला कॉल ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, जो जमीन से 7 मील के बुलंदी तक फैला हुआ है और इसमें कसीफ हवा और इस किस्म की चीजें हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैसें हैं। ये वो कॉल है जो इस बात का जिम्मेदार है कि जमीन का दर्जा हरारत ना रात के वक्त जाया हो जाए और सारे की सारी गर्मी आसमान की तरफ निकल जाए, ना दिन के वक्त इतना बढ़ जाए कि इंसान यहां जिंदा ना रह सके, ना ऐसा हो कि सारे बुखारात निकलकर यहां से बाहर चले जाएं, ना ऐसा हो कि आसमान की के अजराम फल की बेरोक टोक जमीन में दाखिल होकर जमीन को नुकसान पहुंचा सके। लाखों करोड़ों अजराम फलकी जमीन की फिजा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, अगर वो दाखिल होकर जमीन तक पहुंच जाएं तो यहां किसी जिंदगी की किस्म का सवाल ही काफी नहीं रहता। एक चेचक ज़दा चेहरे पे कम दाग होते हैं, लेकिन अजराम फलकी को अगर इजाजत मिले कि जमीन की सतह से टकराते रहें तो उससे बे इंतहा गुना ज्यादा दाग जमीन के चेहरे पर पड़ जाएं। हर वक्त ये जमीन से 7 मील से लेकर 18 मील तक फैला हुआ है और ओजोन गैस यहां बहुत ज्यादा मकदार में पाई जाती है, यानी ऑक्सीजन की वो किस्म जिसमें 2 की बजाय 3 एटम होते हैं। ये गैस क्यों पाई जाती है? उसकी वजह यह है कि अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी रेडियाई शुआएं इस किस्म की हर वक्त आसमान से आ रही हैं सूरज की तरफ से, कि अगर वो जमीन तक पहुंच जाएं तो जमीन को जला के खाक कर दें, यानी जिंदगी के लिए इंतहाई मुजिर और नुकसानदेह हैं। उनको ये केमोस्फीयर जज्ब कर लेता है और आगे नहीं बढ़ने देता। और भी बहुत से काम हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको तारफ करवा रहा हूं कि खुदा है क्या आपका, वो कितना मोहसिन है, कैसे कैसे निजाम है अदल उसने कायम फरमाए हैं और क्यों आपसे अदल की तवक्को रखता है। फिर इसके बाद आयोनोस्फीयर है जो जमीन से 250 मील तक, यानी 18 मील से ऊपर 250 मील तक के फासले में फैला पड़ा है। इसमें आयन की डिफेंसिव लाइन है और इसका काम यह है कि आयोनाइज पार्टिकल्स को यह जज्ब कर ले और जमीन तक पहुंचकर जिंदगी को नुकसान पहुंचाने से बाज रखे। फिर एक चौथा स्फीयर है जिसका नाम है मैग्नेटोस्फीयर और यह 42,000 मील तक बुलंदी पे फैला हुआ है, यानी जमीन से शुरू करके ऊपर तक जाएं तो 42,000 मील पे जाकर इसका अर्सा खत्म होता है। और इसका काम यह है कि कॉस्मिक एनर्जी जो बिलियंस ऑफ वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की ताकत रखती है, यानी आम इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितनी ताकतवर चीज है वो, जो सारी कायनात से जो एनर्जी और ताकत उतर रही है हर वक्त, बरस रही है चांदनी की तरह, वो इतनी ताकतवर है कि अगर वो जमीन तक पहुंच जाए तो सारी जिंदगी की हर किस्म फना हो जाए। तो ये जो 42,000 मील तक के अरसे का की जोन है ये उसको जज्ब कर लेती है, लेकिन सारी को जज्ब नहीं करती बल्कि कॉस्मिक रेज को सेकेंडरी रेज में तब्दील कर देती है, क्योंकि अगर सारी कॉस्मिक रेज ऊपर जज्ब हो जाए तब भी जिंदगी नहीं बच सकती, क्योंकि जो सेकेंडरीज हैं वो क्लोरोफिल बनाने के लिए और नबातात की नश्व नुमा के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जमीन तक ये स्फीयर सिर्फ मनफी असरात वाली चीजें रोकता है और मुस्बित असरात वाली चीजों को जारी करता है। इससे बेहतर भी कभी अदल का तस्वुर आपने देखा है? कितना अजीम शान बैलेंस है, तवाजुन है जमीन और आसमान के दरमियान। हर चीज एक खास मकसद की खातिर पैदा की गई है और किसी चीज को किसी दूसरे के मामलात में दखल की इजाजत नहीं है। हां, इफादियत की इजाजत है, नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी गई।
फिर अल्लाह ताला जमीन में जिस किस्म की भी उसने तखलीक की है उस सारी तखलीक के मुतालिक अदल के लफ्ज इस्तेमाल फरमा रहा है। दुनिया में पर्दे पे कोई किताब है तो दिखाएं तो सही लाके जिसमें मज़मून ऐसा मुरतब हो और अव्वल से लेके आखिर तक मरबूत चलता ही चला जाए। क्या इत्तफाकी हादसात के नतीजे में भी ऐसी किताब रूनुमा हो सकती है? फरमाता है والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل شيء موزون کہ جس طرح ہم نے آسمان کو مبنی برادل بنایا زمین کو بھی مبنی برادل بنایا اور زمین میں جو چیز بھی ہم نے تخلیق کی وہ عدل کے مطابق تخلیق کی، آسمان کو میزان قرار دیا اور زمین کی چیزوں کو موزون فرمایا، گویا میزان کے عین مطابق پیدا ہوئیں۔ بہت ہی خوبصورت لفظوں کا استعمال ہے، فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ آسمان تو ذریعہ تھا عدل جاننے کا، گویا زمین نے آسمان سے عدل سیکھا اور موزون ہو گئی۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف بھی کہ کبھی زمین خود عدل نہیں پا سکتی، زمینی طاقتیں ہمیشہ آسمان سے عدل سیکھیں گی اور زمینی قومیں بھی ہمیشہ آسمان سے عدل سیکھیں گی۔ بس آج ان کو عدل سکھانے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق ہے آسمانی قوتوں کے ساتھ۔ فرمایا جا انبتنا فیہا من کل شیء موزون، اس میں انبتنا سے اگر کوئی غلطی سے یہ مانا لے کہ صرف نباتات مراد ہیں تو یہ غلط ہے، قرآن کریم اس کو غلط قرار دے رہا ہے، کیونکہ انسان کے متعلق فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ ہم نے تمہیں بھی نبات کی طرح ترقی دی ہے، تو ہر چیز جس کو نشو نما دی گئی ہو اس کے لیے نبات کا لفظ قرآن کریم استعمال فرماتا ہے۔ اب زمینی عدل پر جب آپ نگاہ ڈالتے ہیں ایک حیرت انگیز منظر ہے، ہر پہلو اس عدل کا انسانی عقل کو ورتا حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اسی جگہ رواسی کا ذکر فرمایا تھا جہاں من کل شیء موزون فرمایا گیا، چنانچہ اس مضمون کو کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهِمَا فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا من کل زوج کریم ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، کہ اس نے زمین میں رواسیہ بنائے، راسیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو مستحکم ہو، اور عرب پہاڑوں کے لیے بھی راسیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ جتنے تراجم میں نے دیکھے ہیں ان میں راسیہ کا ترجمہ اور ان تمیدہ بکم کا ترجمہ اس طرح پر کیا گیا ہے کہ گویا پہاڑ اس لیے بنائے گئے کہ زلزلوں سے بچائیں، حالانکہ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے بالکل برعکس صورتحال نظر آ رہی ہے۔ پہاڑ تو زلزلہ پیدا کرتے ہیں نہ کہ زلزلوں سے بچاتے ہیں۔ سمندر کی تہہ کے نیچے بھی جو پہاڑ ہیں وہ بھی زلزلے پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اللہ کا مضمون پیدا کرنا ترجمے میں کہ پہاڑ اس لیے پیدا کیے گئے کہ تاکہ تمہیں زلزلے سے بچائیں، یہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ واقعات کے خلاف ہے۔ اس لیے مثبت پہلو جو جس کی عربی اجازت دیتی ہے بلکہ اول طور پر وہی ترجمہ ہونا چاہیے، وہ اختیار کرنا چاہیے جس کا مطلب یہ بنے گا کہ ان تمیدہ بکم، تاکہ تمہارے لیے
ممید بن جائیں. اب اگر امادہ کا ترجمہ متعدی کیا جائے تو اس کا معنی زلزلہ ہوگا، لیکن جب آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ لازم ہونا چاہیے، متعدی ہونا ہی نہیں چاہیے. متعدی بھی ایک شکل ہے، لیکن اول طور پر لغت کی کتابوں میں لازم شکل دی گئی ہے. اور لازم معنی اس کے یہ بنتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ بیضوی حرکت میں رہیں. مادہ کہتے ہیں ٹیڑھی حرکت کرنا، سیدھا نہ چلیں بلکہ بیضوی حرکت کریں جیسا کہ زمین کر رہی ہے. اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے اس مضمون کو مزید تقویت ملتی ہے جو میں نے بیان کیا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر عظیم الشان مضمون یہ ہے کہ مادہ کا مطلب ہے رزق کا سامان پیدا کرنا، مائدہ، اور مادہ کا مطلب ہے نشو و نما دینا. لیکن جب مادہ عربی میں کہیں گے تو نشو و نما دینا کی بجائے نشو و نما پانا ہو جائے گا، یعنی لازم بن جائے گا. اس لیے پہاڑوں کو پیدا کیا کہ وہ نشو و نما پائیں، یہ ترجمہ بنتا ہے. لیکن جب بے ساتھ لگ جائے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے. یعنی اس کا عربی گرامر کے مطابق یہ ترجمہ بنے گا کہ ہم نے پہاڑوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے لیے نشو و نما کا سامان مہیا کریں. اور اس بات کا قطعی ثبوت کہ یہی معنی ہیں یہ ہے کہ اس کے بعد سارا رزق کا انتظام اور نشو و نما کے سامان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. زلزلے کا ذکر ہی کوئی نہیں. فرماتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. کہ رواسیہ پیدا کیے ہیں اس لیے نہیں کہ زلزلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس لیے کہ ان کے بغیر تمہارا معیشت کا نظام ختم ہو جاتا ہے. تمہاری ساری نشو و نما کا انحصار ان پہاڑوں پر ہے، اور وہ نظام ایسا عظیم الشان ہے کہ اس میں بھی موزون کا لفظ بین ہی صادق آتا ہے. یعنی آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے جتنا پانی عطا فرمایا ہے، سمندروں میں جو موجود ہے یا فضا میں یا پہاڑوں پر، اس کی مجموعی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر پہاڑوں کے اوپر جو برف ہے وہ پگھل جائے تو ساری زمین ڈوب جائے اور ہمارے رہنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے. تو اس پانی میں اور اس پانی میں توازن پیدا کرنے کے لیے پہاڑ ایک عظیم الشان کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس کی بہت تفصیل ہے وہ کس طرح یہ کردار ادا کرتے ہیں. پھر بارشیں برسانے میں پانی کو صحیح حالت میں واپس لوٹانے پر، یعنی گندے پانی کو صاف پانی میں تبدیل کرنے میں، اور پھر صاف پانی کو دوبارہ ایسے گندے پانی میں تبدیل کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو سمندر کی زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ نمکیات وہاں ہونی چاہیے. اتنا کامل نظام ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور یہ اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے. جہاں بھی خدا تعالیٰ نے رواسیہ کا ذکر فرمایا وہاں اسی مضمون کو چلایا. فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. سوال للسائلین. پھر زمین کے عدل میں ہمیں موسموں کے بدلنے کا عدل ملتا ہے، زمین کی گردش کا عدل، رات اور دن کی تبدیلیاں، ان کے متعلق قرآن کریم کی بہت سی آیات بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال رہی ہیں. اور اگر یہ عدل نہ ہوتا، موسموں کا ہیر پھیر اور ان کا توازن اور ہواؤں کے چکر جن میں پہاڑ ایک بہت بڑا کام ادا کر رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، تو تب بھی زندگی کی یہ شکل نہ ہوتی جو یہاں موجود ہے. پھر زمین کا ایک خاص محور کے گرد جھکاؤ اور اس کے نتیجے میں تبدیلیاں، یہ تمام ذمہ دار ہیں اس نظام عدل کی جس کو ہم اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں. نباتات اور حیوانات میں عدل کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے بیان کے لیے ایک مجلس کا کیا سوال ہے. سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں ہر روز. اور ایکو سسٹم کے اوپر امریکہ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، ہر سال سینکڑوں مضامین اور کتابیں آ رہی ہیں.
बचपन की हालत में है, हम तो जो कायनात में जमीन में इकोसिस्टम मिलता है उसके उशरे अशीर को भी अभी हम नहीं पा सके, यानी किनारों पे फिर रहे हैं। और जो रिसाले मैं मंगवाता हूँ उन पर उनको देखता हूँ, पहले तो बड़ा मजा आता था, वक्त बड़ा मिलता था उनको पढ़ने का, हैरान हो जाता था देख के कि जानवरों के दरमियान अंदरूनी अदल का निज़ाम, नबातात के दरमियान अंदरूनी अदल का निज़ाम, पानी के जानवरों के दरमियान अंदरूनी अदल का निज़ाम, हवा के जानवरों के दरमियान अंदरूनी अदल का निज़ाम, नबातात की हर किस्म के दरमियान अंदरूनी अदल का निज़ाम, और फिर इनका आपस में एक दूसरे के साथ अदल का निज़ाम, इस तरह बैलेंस कर दिया है खुदा ताला ने कि मौजून से मौजून तर कोई लफ्ज नहीं मिल सकता इसको जाहिर करने के लिए। हर कायनात के शोबे का जो जमीन पर मिलता है आप जायजा लें तो बेख्तियार मुंह से यह निकलेगा कि इससे मौजून तर कोई चीज नहीं हो सकती थी। तो देखिए कुरान करीम का अदल कहां तक फैला पड़ा है। वो किताबें जिनका मैंने जिक्र किया है, कुछ मैं इस मजमून पर इकट्ठी कर सकूं हूं, चंद जो मैं पढ़ता रहा हूं, और वो रिसाइल जिनका इस मजमून पर मैंने मुतालिया किया, वो मैंने वक्त नहीं था उसके हवाले निकालने के लिए, मैंने बाज़ दोस्तों को कहा कि फलां फलां जगह से ये चीज़ें तलाश करें, तो वो इतनी चीज़ें बन गई कि वो फिर एक पूरी किताब यहाँ आ जाती, इसलिए मैं उसका जिक्र छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ जिस किस्म के मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं, मुख्तलिफ इल्म के, वो इतनी सफील जुबान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो महज मुख्तसर मैं तारुफ करवा देता हूँ आपसे कि ये भी एक पूरा इल्म का जहान खोल रही है कुरान करीम की आयत, और ये सारा इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल के ताबे चल रहा है। वस्समा रफाहा वज़ल मीज़ान, और जमीन में हर चीज मौज़ून पैदा की, यानी हर आयत के एक एक लफ्ज ने एक पूरे इल्म के जहान खोल दिए हैं, जिनमें नस्लन बादा नस्लन क्यामत तक इंसान जुस्तजू करता रहे तो उसकी कुनो और उसकी तय तक नहीं पहुंच सकता। अब मैं असल मजमून की तरफ आता हूं, यानी शरीयत के साथ जहां तक अदल का ताल्लुक है और इंसान की तख्लीक में अदल के क्या पहलू हैं। ये मजमून में भी कुरान करीम में इतना वसी, इतना हावी, इतने जमानों पर फैला पड़ा है कि जैसा कि मैंने अर्ज किया था, इसमें से किसी हिस्से का भी हक अदा नहीं हो सकेगा। लेकिन अब हम 15-20 साल तो इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए मुख्तसरन जितना भी तौफीक मिली मैं आपके सामने मजमून पर बयान करता चला जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन में और आसमान में हर दूसरी चीज में जिस तरह हमने अदल पैदा किया, सबसे ज्यादा इस अदल को इंतहा तक इंसान में पहुंचाया, यानी तख्लीक आदम में। चुनाव फरमाया या युहल इंसान मागर कब रब्बे कल करी अल्लवी खलक कफसवा कफादलक फी अय सूरत माशार कबक। ऐ अदना दिमाग और थोड़े दिल वाले इंसान, तुझे किस बात ने अपने रब के मुकाबले पर गुरूर पर आमादा किया, और रब भी वो जो रब करीम है, थोड़े से इल्म के बिरते पर तुम मगरूर होकर जो उसी की पैदा करदा कायनात से सीख रहे हो, तुम अपने रब के खिलाफ बातें करते हो और कहते हो कहां है हमारा रब, दिखाओ तो सही। अल्लज़ी खलक़ाका फसव्वाका फ़अदलक, अगर तुम्हें आफाकी नजर आता नहीं हुई तो अपने नफ्स में डूब के देख लो, उसने तुम्हें भी अदल के साथ पैदा किया है। फी अय सूरत माशारक कबक, और फिर ऐसी ऐसी शक्लें तुम्हें अता की हैं कि जिस तरह वो चाहता रहा तुम्हें उस नई नई तरकीबों में ढालता रहा। तो कायनात तक नजर नहीं पहुंचती, जमीन के मुताले का वक्त नहीं, तुम अपने नफ्स में तो डूब के देखो, और अगर अपने नफ्स में डूब कर देखोगे तो तुम्हें वहां से भी अदल ही की आवाज आएगी, क्योंकि हमने तुम्हें अदल के नतीजे में पैदा किया।
फरमाया बलिल इंसान वाला नफ्स ही लबसीरतू वलो अलका माजीरा। जाहरी तौर पर जितने मुंह बातें करें बक बक करें करने दो, लेकिन हम बताते हैं कि अगर इंसान अपने नफ्स का मुतालिया करना चाहे तो वो मालूम कर लेगा, अपने नफ्स के अंदर डूबेगा तो उसको बसीरत मिल जाएगी। इंसान को हमने कुदरत बख्शी है उस बसीरत की जो नफ्स की बसीरत है। खोखली बातें, सच्ची बातें, जाहिरी बातें वो जितनी चाहता करता फिरे, लेकिन हकीकत यही है कि जो शख्स नफ्स में डूबेगा वो हकीकत को पा जाएगा। फिर फरमाया फल हम सुजू रहा व तक्वा। हर नफ्स जिसको हमने पैदा किया है उसको उससे उसकी बचने की राहें भी बता दी हैं और मायल होने की राहें भी बता दी हैं। जहां उसका फायदा है वो भी बयान कर दिया है और जहां उसका फायदा नहीं है वो भी बयान कर दिया, और ऐसा अदल कायम कर दिया है इन दोनों के दरमियान कि हर चीज में तुम ये अंदरूनी निजाम जारी और सारी देखोगे। इन दो आयात के मिलने से जो मंजर पैदा होता है उसकी तफसील इतनी हैरत अंगेज है कि जैसे कि मैंने बयान किया है हजारों किताबें बिला मुबालगा हजारहा किताबें लिखी जाएं तब भी वो इस मजमून का हक अदा नहीं कर सकती, और ये वो बात लोग कह रहे हैं जिन्होंने इस मजमून पे काम किया है। सिर्फ इंसानी खुलिए के अंदर जो बारीक धागे हैं उनके अंदर जो तफसीली निजाम अदल खुदा ताला ने रख दिया है उसके मुतालिक साइंसदान ने, बाज साइंसदानों ने जो आजकल के इलम के मुताबिक अंदाजा लगाया वो ये था कि 25 साल तक एक आदमी मुसलसल पढ़ता रहे उस मजमून को तो वो मजमून खत्म नहीं होगा। और सवा का फादर लग की मिसालें देखिए, हर चीज की खुदा ने जिस्म के अंदर रेंज मुकर्रर कर दी है, अलहमहा फजूरहा व तकवाहा, कि ऊपर की रेंज तुम्हारी ये है नीचे की रेंज ये है। अब आप शुगर की बीमारी देखते हैं अक्सर लोगों को हो जाती है, आजकल तो बहुत रिवाज है इसका, तो शुगर की बीमारी क्या चीज है? खुदा ताला के निजाम में अदल से इन्हराफ। अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर रेंजेस मुकर्रर की हुई हैं, तकवा भी है उसका और फजर भी फजूर भी है, और 50 फाका कशी की हालत में इंसान हो तो जिस्म को हुक्म है अल्लाह ताला का कि 50 से नीचे तुमने शुगर नहीं गिरने देनी और 100 से ऊपर नहीं जाने देनी वरना तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगी। और आपको पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, अंदर बेशुमार निजाम काम कर रहे हैं जो इसको खुद ब खुद कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला को पता है कि इंसान अदल में नहीं रहता, हमने तो हुक्म ये दिया है कि खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, लेकिन इसराफ कर जाएगा। इसलिए खुदा ताला ने इस निजाम को इतना मुकम्मल कर दिया कि शुगर के निजाम को कंट्रोल करने के लिए जितनी इंसुलिन की जरूरत है उससे 8 गुना ज्यादा इंसुलिन का इंतजाम कर दिया, या 7 गुना ज्यादा इंसुलिन का इंतजाम करी कमोबेश 13 तकरीबन फीसदी 13.798 वही 7 गुना ज्यादा। अब आप ये देखिए हैरत अंगेज इस निजाम का निजाम हदीस के साथ तताबुक। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन तो एक आंत से खाता है मगर काफिर 7 आंतों से खाता है, यानी 7 निजाम जो खुदा ने उसकी हिफाजत किए हैं किए हुए हैं सबकी नशुकरी करता है तब जाकर बीमार पड़ता है। ये एक बुनियादी गहरा फलसफे का इशारा है, ये तो नहीं कि मोमिन बीमार नहीं पड़ता, लेकिन मोमिन बाद और वजूहात से बीमार पड़ जाता है, खा पी कर नहीं मरता, इतना खाए 7 आंतों में कि उसके नतीजे में शुगर हो जाए, इसकी और भी वजूहात होती हैं। इसका जो कंट्रोल है वो इतना हैरत अंगेज है कि अभी साइंसदान ये कहते हैं कि हमने बहुत मामूली सी मालूमात हासिल की हैं, मगर जो मालूमात का खुलासा है वो ये है कि एक इंसुलिन वो दवा है जो जिस्म के अंदर
पैदा होती है और स्टोर रहती है। अगर आप खाना खाएं तो जरूरत है कि जिस्म की शुगर यानी जिस्म की मिठास को तवानाई में तब्दील किया जाए, वरना वो नुकसान पहुंचाएगी। तो इंसुलिन ये काम करती है और खून में जो मकदार बढ़ती है शुगर की उसको जेरे इस्तेमाल ले आती है इंसुलिन। और जब हम खाना खाते हैं तो जिस्म के मेदे में दाखिल होती है, अभी खून में भी शामिल नहीं हुआ होता। साइंसदान नहीं समझ सके कि वो क्या निजाम है, मगर कुछ ऐसे निजाम है जो फौरन खबरें पहुंचा देते हैं इंसुलिन को कि तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, अब जरा बाहर निकलना शुरू हो जाए। समझे, वो खून में निकल कर ताक में बैठी होती है कि कब जरूरत पड़े और मैं इसको पकड़ लूं। जब भूख लगती है तो जिस्म में शुगर के लेवल कम हो जाता है और हो सकता है 50 से गिर जाए, और वो भी खतरनाक है। तो अल्लाह ताला ने इस एक इंसुलिन के मुकाबले पर 4 और दवाएं पैदा की हैं। जब 50 के करीब गिर जाता है तो वो दवाएं निकलना शुरू हो जाती हैं और वो शुगर के लेवल को बढ़ाने लग जाती हैं। और अरबहा अरब इंसान जिनको शुगर की बीमारी नहीं है वो नावाकिफ रहते हुए जिंदगी बसर करते हैं कि इस एक मामले में भी हमारे रब करीम ने कितना बड़ा एहसान कर रखा है और कैसा अजीम शान अदन कायम कर रखा है। वही खुलिए जहां से इंसुलिन निकल रही है उसके साथ ही अल्लाह ताला ने ये दूसरी दवाओं के निकालने का भी इंतजाम कर रखा है। लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया, ये मजमून बहुत ही तफसीली है और जो रिसाले मैंने देखे हैं उनमें बड़े माहरीन चोटी के ये तस्लीम करते हैं कि अभी हम शुगर को और इस निजाम को समझने के भी पूरी तरह काबिल नहीं हुए। बेशुमार बारीक दर बारीक केमिकल पैदा हो रही हैं, क्यों पैदा हो रही हैं, किस तरह पैदा हो रही हैं, कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है। कैल्शियम के तवाजुन का निजाम है, यह भी अजीब हैरत अंगेज निजाम है और इसमें रेंज बहुत छोटी है अदल की, 8.9 से 10.2 तक। अगर जिस्म में कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में बास शदीद नुकसान हो जाते हैं, अगर जरा गिर जाए तो उसके नतीजे में बास शदीद नुकसान हो जाते हैं। बास जानवर मरते हैं, जमींदारों को पता नहीं लगता कि क्यों मरे हैं। एक बीमारी होती है गांव भैंसों में जिसमें कैल्शियम की मिकदार गिर जाती है, तो अगर पता हो तो डॉक्टर फौरन टीका कर दे कैल्शियम का, वो बच सकते हैं। लेकिन आनन फानन देखते देखते वो मिट्टी का ढेर बन जाते हैं, उनमें ताकत नहीं रहती। अब हम कैल्शियम खाते हैं बे इंतहा, ज्यादा भी खा लेते हैं, जरूरत से कम भी खाते हैं, किसी को दूध मुयसर है किसी को नहीं मुयसर है। इन सारे इम्कानात के लिए अल्लाह ताला ने मुतबादल इंतजाम जिस्म में रखे हुए हैं और इसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो हार्मोन्स के जरिए जिस तरह कंट्रोल होता है और गुर्दे किस तरह काम करते हैं, इसमें ये सारा निजाम यहां पढ़ के सुनाने का आपको वक्त नहीं है। सोडियम और पोटाशियम का जो बैलेंस है जिस्म में और जो उन चीजों को कंट्रोल कर रही हैं चीजें, आगे वो बेशुमार हैं। और इतना हैरतअंगेज तवाजुन है कि इंसानी सेल्स के अंदर यानी जो गोश्त पोस्त और हड्डियां वगैरह बनी हुई हैं उनके उन सेलों के अंदर पोटाशियम की ज्यादा जरूरत है। और खून में जो आम खाने का नमक है उसकी ज्यादा जरूरत है। नमक की दो किस्में हैं, तो पोटाशियम उनके अंदर ज्यादा रखा हुआ है और खून के अंदर आम खाने का नमक ज्यादा रखा हुआ है। अब उनको नमक, दोनों नमकों को अंदर भी जाना चाहिए सेल्स के अंदर, वरना अंदर किस तरह जज्ब होंगे। उसकी जो झिल्लियां हैं वो खुदा ताला ने इस तरह बनाई हैं कि वन वे ट्रैफिक चल रही है, यानी नमक खाने का नमक अंदर दाखिल भी होता है और बाहर निकल भी आता है, मगर पोटेशियम जो अंदर जाता है वो अंदर कैद हो जाता है क्योंकि बहुत थोड़ी मकदार में पाया जाता है, वह मुश्किल उसकी जरूरत पूरी होती है। इस निजाम को कंट्रोल करने के लिए जो हैरत अंगेज आगे इसके पस मंजर में निजाम है वो भी लामतनाई है। ये चंद मिसालें जो मैंने इकट्ठी की थी, मैं अब वो भी आपको नहीं दे सकता पूरी तरह। काम की सलाहियत के मुतालिक मैंने जैसा कि बयान किया है, हर उज्व के लिए हर अंदरूनी निजाम के लिए उसकी जरूरत से कई गुना ज्यादा जरूरियात खुदा ताला ने मुहैया कर रखी हैं, क्योंकि उसको पता है कि इंसान गैर मुनसिफ है, वो अपने साथ इंसाफ नहीं करेगा,
इसलिए वहां रहम और इताए दिल कुर्बा का निजाम जारी हो गया। लेकिन फिलहाल तो मैं अपने आप को निजाम अदल तक महदूद रखता हूं। टूट फूट का निजाम इतना हैरत अंगेज है कि हर 7 साल के अंदर सारा इंसानी जिस्म तब्दील हो रहा है, और अगर एक सेल मरता है तो उसकी जगह लेने के लिए एक सेल सिर्फ पैदा होता है और वहां जाकर रुक जाता है। आंख का हो, नाक का हो, हड्डियों का हो, खून का हो, किसी किस्म का सेल हो, और बेशुमार किस्में हैं इंसानी जिस्म में सेलों की, एंटीबॉडीज की बेशुमार किस्में हैं। जितनी जिसकी जरूरत है वो पैदा हो जाती है और आगे रुक जाती है, और कंप्यूटराइज सिस्टम है अंदर जो ऑर्डर देता है कि अब पैदा करो, अब रुक जाओ, और ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खुदकार तरीके से ये काम चल रहा है। और इंसान नाशुकरा बेहया खुदा के मुकाबले पर बातें बड़ी बड़ी बनाता है और ये नहीं देखता कि मैं पैदा किस तरह किया गया हूं, किस चीज से पैदा किया गया हूं, कितने एहसानात है रब्बे करीम के, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदला, उसके खिलाफ उठ उठ के बातें करते हो, अपनी हकीकत तो देखो। एक निजाम का हिस्सा बिगड़ जाए तो चीखें निकल जाती हैं आदमी की, पागल हुआ फिरता है डॉक्टरों के दरवाजों पर। यानी अरब हा अरब, जैसा कि मैंने बयान किया है, अरब हा अरब बिला मुबालगा ऐसे निजाम हैं जो कंट्रोल करके अदल कायम कर रहे हैं इंसानी जिस्म में। एक नींद का तवाजुन कायम रखने के लिए भी बेशुमार निजाम कायम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वही बिगड़ जाए तो देखा नहीं आपने लोग किस तरह पागल हुए फिरते हैं और फिर पागलखाने पहुंच जाते हैं। एक गुर्दे का छोटा सा हिस्सा काम करना छोड़ दे तो इंसान की जो हालत होती है वो आप जानते हैं, ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि कोई डॉक्टर उनको बचा नहीं सकता। बे इंतहा राहें हैं हलाकत की, हर राह के सामने खुदा के फजल का एक फरिश्ता खड़ा है और उसके अदल का एक फरिश्ता मुतय्यन है, और वो उन राहों से तजावुज करना नहीं दे करने नहीं दे रहा। अगर आपका अख्तियार होता तो हर राह से तजावुज कर जाते। लेकिन जो लोग अपने जिस्मों से बेरहमी का सलूक करते हैं उनका कंट्रोल का निजाम खत्म हो जाता है। जो बगी करते हैं, जो फाशा करते हैं, यानी इंसानी जिस्म की इस्तलाहों में फाशा और मुनकर और बगी जब शुरू हो जाए तो फिर जो दायरा कार में रहने का निजाम है वो छोड़ देता है। यानी खुदा कहता है जब तूने बगावत कर दी है मेरे निजाम के खिलाफ तो फिर इसका मजा चखो, और उसी का नाम कैंसर है। अगर जिगर के खुलिए बढ़ने शुरू हो जाएं और उनको रोकने वाला निजाम जो हद से तजावुज करने से रोकता है वो फेल कर जाए इंसान की बार बार की बगावत के नतीजे में, तो उसी को जिगर का कैंसर कहते हैं। फेफड़े में भी हो सकता है, गुर्दे में भी हो सकता है, दिल में भी हो सकता है, खून के खुलियों में भी हो सकता है, हड्डियों में भी हो सकता है, हर निजाम में जो इंसान के जिस्म के अंदर है इस किस्म का कैंसर हो सकता है। और है क्या कैंसर? शैतानी और बगावत, जिसको हम रूहानी दुनिया में कहते हैं, उसके सिवा कोई नाम नहीं है। इसमें सबक है हमें, हमारे लिए अल्लाह ताला हमें सबक देता है कि देखो तुम निजामे अदल को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकते। यानी दुनिया में तुम अदल के तकाजों को पूरा ना करो और सारी कायनात मैंने अदल पर मबनी बनाई हो, तुम्हारे अपने जिस्म में भी अरब हा अरब अदल के निजाम काम कर रहे हैं, और उन सब से आंखें फेर कर तुम जिसारत करो खुदा पे बातें बनाने की भी, और अपने आपस के मामलात में अदल को छोड़ दो और समझो कि तुम्हारी सोसाइटी जिंदा रहेगी, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। आज जमाने के सारे दुख नाइंसाफी के नतीजे में पैदा हुए। दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों को जो खतरात लायक हैं और उनके अम्वाल उनको बचा नहीं सकते और उनकी ताकतें उनको बचा नहीं सकती, हौलनाक जंगें जो आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई हैं निजाम अदल के तकाजों को ना पूरा करने के नतीजे में, बड़े बड़े गुमराह कुन फलसफे जो पैदा हुए हैं वो निजाम अदल के तकाजों को नजरअंदाज करने के नतीजे में पैदा हुए हैं। अगर ईसाई दुनिया अदल के तकाजों को पूरा करती तो नामुमकिन था कि कम्युनिज्म का बच्चा पैदा हो सकता। बस जितने भी फसाद हैं दुनिया में और जितनी अजीमुशान हौलनाक जंगों के मनाजिर आंखों के सामने देख रहे हैं या उनकी तारीख पढ़ते हैं या सोसाइटी के जो दुख देख रहे हैं, जो आपस के झगड़े हैं, जो दिलों की गुदूरते हैं, ये तमाम की तमाम इस बात की गवाह हैं कि इंसान ने रब्बे करीम के साथ नाशुक्री से काम लिया, उसके अदल के निजाम पर मबनी होकर बे इंतहा एहसानों के तले दबने के बावजूद उसके बयान करदा निजाम अदल से बगावत कर दी, और फिर समझता है कि वो जिंदा रह सकेगा और कामयाब रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा कभी नहीं होगा।
چنانچہ اس موضوع پر پھر اللہ کا عدل دیکھیں، اس نے ایک وارننگ سسٹم بنا دیا. یعنی باوجود اس کے کہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عرب ہا عرب نظام قائم کر رکھے ہیں خود کا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فطر سے انسانی سے واقف ہے اور اس نے ایک وارننگ سسٹم بنا دیا ہے ساتھ. چنانچہ جتنی بھی آپ کو دردیں ہوتی ہیں یا بخار چڑھتے ہیں یا اسی قسم کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ وارننگ سسٹمز ہیں کہ خبردار تمہارے جسم کے اندر عدل کا نظام بگڑ گیا. اور بین ہی اسی طرح کا ایک وارننگ سسٹم یعنی تنبیہ کا نظام مذہب کی دنیا میں بھی ہمیں ملتا ہے. چنانچہ قرآن کریم جو مختلف اقوام کے قصے ہمارے سامنے رکھتا ہے، ان کے عروج اور زوال کی داستانیں بیان کرتا ہے، وہ سارا یہی وارننگ سسٹم ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک تنبیہ کا نظام ہے. اور بار بار فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ہم تو کتنی ہی مثالیں بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، فلاں قوم کے ساتھ کیا گزری، فلاں قوم کے ساتھ کیا گزری، جب اس نے عدل کے تقاضے چھوڑے تو ان کا کیا انجام ہوا، جب اس نے عدل کے تقاضے چھوڑے تو ان کا کیا انجام ہوا. پھر بھی بدقسمتی سے بہت ہی کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، چند عالم ہیں جو عقل کرتے ہیں، اور دنیا کی اکثریت ان باتوں سے ناواقف رہتی ہے. یہ نظام تنبیہ قرآن کریم میں اتنا تفصیلی ہے اور شریعت اسلامیہ میں اتنا تفصیلی ہے کہ خود صرف اس نظام تنبیہ کے اوپر اگر تقریر کی جائے تو چند گھنٹے کی تقریر بن سکتی ہے، کم از کم چند گھنٹے کی. اور اس غور کے نتیجے میں پھر جو اور راہیں کھلیں گی ان کا متعلق کچھ پتہ نہیں کہ کتنا اور وقت درکار ہوگا. یہ نظام تنبیہ ایمانیات کے اعلیٰ درجوں سے شروع ہو کر ادنا درجوں تک چلتی ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 شعبے ہیں، یعنی بہت تعداد ہے، ان میں سے ادنا یہ ہے اماتت الطریق، اماتت الاذاء عن الطریق، دکھ دینے والی چیزوں کو رستے سے ہٹا دو، یہ ایمان کی ادنا صورت ہے. یعنی تنبیہ کا نظام مسلمان کا جو قرآن کریم کے اوپر مبنی ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ معمولی معمولی رستوں کے تقاضے پورے کرنے کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ممالک پسماندہ ہیں ان کے ہاں بے شمار دکھ اس ادنا شعبے کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں جنم لے رہے ہیں روزانہ. جو سڑکوں پر یہاں حادثات ہوتے ہیں وہ نظام تنبیہ کے نہ ہونے کے نتیجے میں. یعنی یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں اسلام آباد میں جا رہا تھا ایک جگہ، تو اچانک میں نے کار روکی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچنا تھا بچ گیا. اتنی بڑی جگہ کھدی ہوئی تھی کہ پوری لگتا تھا کھائی ہے، اور میرے ساتھ بھی بچے تھے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے کوئی نہ کوئی کار تو یہاں گر سکتی ہے. دوسرے دن ایک جرمن کی مرسیڈیز کار جو بیچارے نے نئی منگوائی تھی وہاں پوری اندر اس کے داخل ہوئی تھی. ایک دفعہ اسلام آباد جاتے ہوئے اسی جو شیخوپورہ روڈ سے، وہاں بھی میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ کچھ مٹی مجھے رات کو نظر آئی، نزدیک سے آتی ہے رات کو نظر چونکہ نظر دور تک کام نہیں کرتی، باوجود اس کے کہ مجھے تیز چلانے کی عادت تھی کار، میں بریکیں لگانے میں کامیاب ہو گیا. اور دیکھا تو اندر ایک بس الٹی پڑی تھی. یہ حالت ہو جہاں نظام عدل کی کہ ادنا سڑکوں کے تقاضے بھی پورے نہ ہو رہے ہوں، یہ تمام جو پسماندہ ممالک ہیں ان میں یہی حال ہے. اور اتنی چھوٹی سی بات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں یہ دکھ پیدا ہو رہے ہیں، بے شمار اور ہیں جو اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے ایک چھوٹے سے جز کو نظر انداز کیا گیا. ہے کوئی دنیا میں مذہب جو اس شان کی عدل کی تعلیم رکھتا ہو، اتنی کامل تعلیم رکھتا ہو، اتنی جامع تعلیم رکھتا ہو، اور اتنی مانے تعلیم رکھتا ہو. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب ہم نے انسان کی تعدیل کی
और उसे मुकम्मल कर लिया तो उसे फिर जमीन में अपना खलीफा बनाना था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एक मखलूक को बाकी मखलूक का सरदार क्यों बनाया जाए, क्या यह निजामे अदल के खिलाफ नहीं है? कुरान करीम इसकी भी वजह बयान फरमाता है और इस रसूल को तस्लीम करता है कि दुनिया की किसी मखलूक का यह हक नहीं है कि किसी और मखलूक की मखदूम बन जाए। एक बाहमी तवाजुन है खिदमत और मखदूमियत का, लेकिन एक मखलूक का सारी मखलूक के लिए सरदार बनाया जाना यानी खलीफतुन फिल अर्ज़ होना, यह निजामे कायनात में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मगर कहता है कि इन्नी जायलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने लगा हूं। तो वो क्या फर्क है जिसके नतीजे में एक मखलूक दूसरी मखलूक की सरदार बना दी जाए और निजामे अदल के तकाजे पूरे हैं? इस मजमून को वाजे करते हुए कुरान करीम फरमाता है وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ साजदीन। खुदा ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में बशर बनाने लगा हूं, मिन सलसालिन बजने वाली मिट्टी से, और मिन हमय मसनून और गले से जो कीचड़ से बजाए, उसकी अपनी जात में कोई भी हैसियत नहीं होगी। फायदा सवै तो हूं, लेकिन जब मैं उसकी तादील कर लूं, क्योंकि तस्विया भी अदल को कहते हैं, इतना अजीम शान कलाम है कि एक जगह भी उस मजमून को तरक नहीं कर रहा। फरमाता होगा तो वो भी मिट्टी का ही बना हुआ, वो भी बजाहिर गला सड़ा कीचड़ी तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन एक फर्क पड़ जाएगा उसमें। मैं उसकी तादील करूंगा और उस तादील को दर्जा कमाल तक पहुंचाऊंगा, यह है तस्विया का नाम। फैजा सवै तो हूं, जब मैं ठीक ठाक कर लूं तब भी वो तुम पे फजीलत नहीं पाएगा। वो क्या वाकया होगा जिसके नतीजे में वो तुम्हारा मखदूम बनाया जाएगा? वो वाकया ये है, वह नफख तो फी है मेरे रूही, जब मैं इल्हाम करूंगा उस पर और वो मेरा हो जाएगा, तब वो तुम्हारा मखदूम बनेगा, तब सारी कायनात को सजदे का हुक्म दिया जाएगा। यानी फजीलत बशरियत इल्हाम से बनती है और फजीलत बशरियत शरीयत से कायम होती है, उसके सिवा किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। यही मजमून है जिसको बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम जालनाकुम शुऊबन व कबाइला, हमने मुख्तलिफ शुऊब और कबाइल में तुम्हें डाल दिया है, लेकिन खबरदार इनको इज्जतों का जरिया ना बना लेना, क्योंकि नफ़ रूह के बगैर कोई तखलीक किसी दूसरी तखलीक पर इज्जत के लायक नहीं ठहरती। एक ही तरीक है और वो नफ़ रूह है और वो तकवा से पैदा होती है। हां अगर तकवा इख्तियार करोगे तो खुदा के नजदीक तुम मौजूद ठहरोगे और इस काबिल ठहरोगे कि कायनात तुम्हारी खिदमत में मामूर की जाए। यहां से शरीयत का आगाज होता है, यानी तादील के कमाल पर पहुंचने के बाद, तस्विया होने के बाद जब नफ़ रूह हो जाता है तो फिर शरीयत नाज़िल होती है। और सबसे पहली शरीयत यानी आदम की शरीयत का जो जिक्र कुरान करीम में मिलता है, उससे पता चलता है कि वो खालिसतन इब्तिदाई शक्ल थी शरीयत की और सिर्फ अदल की तालीम थी। उसमें ना एहसान का जिक्र कहीं मिलता है, ना इताए ज़िल क़ुरबा का जिक्र मिलता है, और अदल के भी इब्तदाई मराहिल नजर आते हैं। और जो मजमून खुलता चला जाएगा आप ये मालूम करके हैरान रह जाएंगे कि कुरान करीम एक ऐसा इरतकाई दौर मजहब का बयान फरमा रहा है कि आदम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुसलसल तरक्की पजीर है। लेकिन एहसान के पांव को छू तो सका है पहले, लेकिन एहसान में दाखिल नहीं हो सका। वो मोहम्मद मुस्तफा आए तो ये मजमून अदल को कामिल करते हुए एहसान में दाखिल होता है और फिर इताए ज़िल क़ुरबा तक पहुंचता है। चुनांचे दो अहकाम, दो बातें जो हमें आदम की शरीयत के मुतल्लिक मिलती हैं वो ये हैं।
वला तकरबा हाजिह शजरता फतकूना मिन अल्वालिमीन। कि देखो इस दरख्त के करीब ना जाना, क्योंकि तुम फिर जालिम हो जाओगे। लोग कहते हैं ये दरख्त क्या है, कोई कहता गंदम का पौधा था, कोई कहता कोई और चीज थी, हालांकि कुरान करीम तो खुद शजरा के लफ्ज को खोल खोल कर बयान फरमा रहा है। एक शजरा कुरान करीम में बयान हुआ है कलिमतिन तैयबतिन, कलिमा तैयबा का यानी पाक कलाम का, शरीयत का शजरा है, जिसकी शाखें बज़ाहिर जमीन में पैवस्त हैं, जड़ें जमीन में पैवस्त हैं, लेकिन शाखें आसमान से बातें करती हैं, और हर रोज अपने रब के हुक्म से वो नए नए फल अता फरमा रहा है। और एक शजरा खबीसा है जिसको करार नहीं है, वो जुल्म का नाम है शजरा खबीसा, इंसाफ के तकाजों को तोड़ने का नाम है शजरा खबीसा। तो लोग कहते हैं क्या कहा गया है, मैं बताता हूं कि ये कहा गया है फतकूना मिन ज़ालिमीन। जो कुछ भी कहा गया वो ये था कि फलां ऐसी हरकत ना करना जो तुम्हें जालिम बना दे और अदल के तकाजों से हटा दे, क्योंकि अदल के तकाजों से निकलोगे तो जन्नत से निकल जाओगे। यानी इंसानी जन्नत की तारीफ ये है कि इंसानी मुआशरा जन्नत पा ही नहीं सकता जब तक उसमें अदल कायम ना हो। मालूम होता है कोई ऐसी बात हुई है उस सोसाइटी में जिसके नतीजे में अदल के तकाजे पूरे नहीं हो सके। हजरत आदम ने तो तौबा कर ली और खुदा ने कबूल भी फरमा ली, लेकिन आपके मुत्तबईन को जब एक दफा अदल से हटने की आदत पड़ गई तो फिर वो दोबारा उस पर कायम ना हो सके। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया एहबेतू मिन्हा जमिया, यानी ये नहीं फरमाया कि ऐ आदम और हव्वा तुम निकलो, फरमाया तुम सारे के सारे यहां से निकल जाओ। इस जन्नत में तुमने अदल के जरिए दाखिल थे और तुम्हारा हक था यहां रहने का, अदल छोड़ दिया है तो फिर जन्नत कैसी, अब जाओ दुनिया में भटकते रहो। इसी मजमून का जिक्र आगे जाकर यूं मिलता है कि उस शरीयत के अज्जा जो बयान किए हैं वो वही हैं जो कम अज कम अदल के तकाजों के अज्जा हैं। चुनांचे कुरान करीम आदम की शरीयत का खुलासा यह बयान फरमाता है इन्ना लका लातजुआ फीहा वला तारा वअन्नका ला तज़मौ फीहा वला तबहा। क्या आदम तेरी जन्नत बस यहीं तक है कि सोसाइटी में अदना इंसाफ कायम कर दो, यहां ना कोई भूखा रहे, ना कोई नंगा रहे, ना कोई प्यासा रहे, ना सर छुपाने की जगह के बगैर कोई यहां इंसान रहे। यह है नक्शा जन्नत का। कहां आदम की जन्नत की वो तस्वीरें खींची गई हैं जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नतों की तस्वीरें हैं? दो शक्लें मिलती हैं कहीं? जमीन और आसमान का तफावत है उस जन्नत के तसव्वुर में जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों के लिए रखी गई, और एक एक नहीं जन्नतान दो दो जन्नतें उनकी भी कई कई किस्में। आदम की जन्नत बस इतनी ही थी कि इंसाफ के अदना तकाजे पूरे हों। और इसमें एक हैरत अंगेज मजमून हमारे लिए यह रख दिया गया कि दुनिया की इंसानों की अक्लो फिक्र का जो मेराज है वो मजहब का आगाज है। आज की दुनिया में मार्क्स और लेनिन ने जो दुनिया को फलसफा दिया या एंजल्स ने जो फलसफा दिया उसकी इंतहा वो जन्नत है जो कुरान करीम फरमाता है इतनी पुरानी और बसीद है कि हमने आदम को शुरू में दी थी। और फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, जहां तक मोहम्मद मुस्तफा की किताब का ताल्लुक है ये मुत्तकियों से सबक शुरू करती, यानी गैर कौमों के जो मुत्तकी हैं उनके तसव्वुर की जो इंतहाई सलांग है वहां से कुरान करीम आगाज तालीम करता है। और इसकी जन्नतें तो हुस्न एहसान की ऐसी जन्नतें हैं कि उसकी कोई नजीर दुनिया के तसव्वुर में नहीं मिल सकती। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत का हमें कुरान करीम में जिक्र मिलता है, और वहां अदल के मजमून को कुछ और बढ़ा दिया गया
यानी ये जन्नत अब देखें वुसअत पजीर होती चली जा रही है। कुरान करीम इस अदल की नई तालीम यानी बड़े हुए मजमून का जिक्र करते हुए फरमाता है, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد العالمين کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا اور وہ ان آزمائشوں پر پورا اترا تو اللہ نے احسان کے طور پر اور فضل کے طور پر فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، کیونکہ جو شخص عدل کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے وہی اس لائق ٹھہرتا ہے کہ اس پر حسن و احسان ہو اور اس کو اتائے ذی القربیٰ کی طرح محبت اور پیار کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم نے ماں عرض کی کہ اے خدا، مجھ تک ہی یہ انعام رہے گا یا میری نسلوں میں بھی جاری ہوگا؟ بہت ہی پیارا دل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بڑے ذہین اور فہیم اور دور تک نظر رکھنے والے تھے۔ فوراً کہا، جو خدا نے مجھے تو عطا کر دیا ہے یہ تو واپس نہیں لے گا، اور مانگتے ہیں جتنا مل جائے ٹھیک ہے۔ تو عرض کیا، وہ من ذریتی، فرمایا دیکھو تمہیں ہم نے عدل کے نتیجے میں دیا ہے، اگر تمہاری ذریت عدل پر قائم رہے گی تو اس کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کریں گے۔ لا ینالو عہد الظالمین، ظالموں کو میرا عہد نہیں ملے گا، تمہارے بیٹے ہوں یا کسی اور نبی کے بیٹے ہوں۔ عدل کے مضمون کو پکڑ کر اسے ابتدائی شکل سے بڑھا کر کہاں تک پہنچا دیا۔ پھر آگے دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام میں عدل نے ایک اور شکل اختیار کر لی، یعنی تعلیم پھیلتی جا رہی ہے عدل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اتاتون الذکران وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ عادون کا مطلب ہے جو عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، جو عدل کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عدل کی یہ تعریف فرمائی گئی کہ خدا تعالیٰ نے ہر جنس کو اور ہر شکل کو خاص مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، جب بھی ان مقاصد کے خلاف ان چیزوں کو استعمال کرنے لگو گے تو عدل سے ہٹ جاؤ گے، اور جو چیزیں عدل کے مقام سے ہٹ جایا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا لوط کی قوم میں ظلم یہ تھا، یہ عدل کے تقاضے نظر انداز ہو رہے تھے کہ جنسوں کی تفریق جو خدا نے پیدا کی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، بے محل اور ناجائز استعمال کیا اپنی شہوات کا۔ تو خدا نے فرمایا کہ تم چونکہ قوم عادون ہو اس لیے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ مضمون اور پھیلا اور عدل کا مضمون ترقی کرتا رہا۔ یہ چند مثالیں میں دے رہا ہوں کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اس مضمون کا حق تو بارہ لدا نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کی آیات کی تو بے شمار معانی ہیں اور بے شمار محل ہیں۔ فرماتا ہے، ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ آج کل کی ترقی یافتہ قوموں میں یہ رواج ہے کہ جب پاسپورٹ لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک میں اس بات کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی کا سلوک نہیں ہوگا، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت یوسف کی پاک تعلیم کے نتیجے میں، ان کے زیر اثر، بادشاہ فرعون کے ہاں جو نظام عدل قائم ہوا، جیسا کہ قرآن کریم پہلے بیان کر چکا ہے کہ اس نظام عدل میں بہت اہم کردار حضرت یوسف علیہ السلام نے ادا کیا تھا، وہ اجنبیوں تک بھی پھیلا ہوا تھا۔
यानी आजकल तो बगैर पासपोर्ट के कोई किसी दूसरे मुल्क में चला जाए तो उसका पकड़ा जाना लाजमी है, उसको कैद करने के लिए बहाना नहीं चाहिए। मगर वो ऐसा दौर था कि जब अजनबी तुम्हारे मुल्क में आते थे और पता भी हो कि ये मेरा भाई है और मेरा हक है इसको रखने का, लेकिन इतना कामिल अदल कायम हो चुका था कि उस हजरत यूसुफ को भी ये हक नहीं रहा था कि वो अपने भाई को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के पकड़ ले। वो जो जन्नत वहां कायम हुई वो इसी अदल की बिना पर तो कायम हुई थी। देखिए अदल का मजमून तरक्की करते हुए कितना वसत पजीर होता चला जा रहा है। फिर अदल में तिजारत का उनसर भी दाखिल हो गया। चुनांचे हजरत शुएब की मिसाल देते हुए अल्लाह ताला फरमाता है वैला मदियन अखाहुम शुएबन قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم کیا ہے میری قوم تم بھی عدل کے تقاضوں سے ہٹ رہے ہو اور تمہاری تجارت میں ظلم اور صفاقی اور جور داخل ہو گیا ہے تمہارے میزان ٹھیک رہی نہیں رہے تمہارے باٹ ٹھیک نہیں رہے تم انسانوں کے ساتھ ناانصافی کا سلوک کرتے ہو دینے کے باٹ اور ہیں اور لینے کے باٹ اور ہیں گر گیا یہ ذرا مجھے گرم قہوہ دینا تو فرمایا کہ تم اپنے میزان کو درست کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے یہ سارا وارننگ سسٹم جو ہے اسلام کا یہ جاری ہے ابھی تک یعنی مضمون تو بظاہر دوسرا شروع ہو چکا ہے لیکن یہ اس سارے کا تعلق پھر ایک وارننگ سسٹم سے بھی ہے ہر قوم کی مثال بیان کر کے مثال وہ اختیار کی گئی جو عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے اور اعلان یہ کیا گیا کہ اس کے بعد وہ قوم نہیں رہی باقی ہم نے اس قوم کو مٹا دیا صفحہ ہستی سے تم شاہراہوں پر چل کے دیکھو ان لوگوں کے کھنڈرات تمہیں ملیں گے منہ پھاڑے ہوئے دیکھیں گے تمہیں اور ایک کے بعد دوسری جگہ تم سفر کر کے دیکھو تمہیں حسرتوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کس طرح بڑی بڑی قومیں دنیا میں آئیں اور ایک کے بعد دوسری ہلاک کر دی گئی اور ہر ایک کی ہلاکت کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے عدل کو ترک کر دیا تھا چنانچہ یہ جو معاملات کا عدل تھا یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے آگے بڑھ جاتا ہے اور حضرت داؤد کے زمانے میں آ کر اس میں ایک مزید لطافت پیدا ہو جاتی ہے لیکن رہتا عدل ہی ہے ابھی احسان کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں احسان کرنے والا تو ابھی آیا ہی نہیں میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے تو احسان آیا دنیا میں اس سے پہلے تو دنیا ناواقف تھی احسان کے تصور سے بھی قرآن کریم فرماتا ہے هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون ناجة وَلِيَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَاجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
باغ ولا باغ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتنه. इसका सारी आयत का तर्जमा करने की बजाय मैं मुख्तसर ये बताता हूँ कि इस आयत में यह किस्सा बयान है कि हजरत दाऊद के पास दो झगड़ने वाले पहुंचे। एक ये कहता था कि मेरे पास ये जो दुनिया में कार्टर सिस्टम्स हैं या फाइनेंशियल मैग्नेट्स पैदा हो जाते हैं बड़े बड़े और सारी दुनिया की दौलतें चंद हाथों में समेटते रहते हैं और बड़ी कौमें हक समझती हैं अपना कि गरीब कौमों का माल लूटते चले जाएं उनकी दौलत ज्यादा मुकम्मल हो जाए। हजरत दाऊद के जमाने में भी ये तालीम अदल की वहां तक पहुंच चुकी थी कि हरगिज ऐसा नहीं होगा। ये तमन्ना भी जुल्म है कि तुम्हारे पास ज्यादा है और ज्यादा कर सकते हो इसलिए किसी गरीब को उसकी कम अज कम जरूरत से भी महरूम कर दो। और एक और 99 की कैसी प्यारी मिसाल दी है अल्लाह ताला ने। एक गरीब की कम अज कम जरूरत हो सकती है, फरमाया उससे आगे बढ़ोगे तो अदल के खिलाफ हो जाओ। कम अज कम जरूरत हर इंसान का हक है। अगर तुम्हारे पास इतना जमा हो जाए कि कुछ लोग कम अज कम जरूरत से भी महरूम रह जाए तो फिर यह सोसाइटी अदल मबनी सोसाइटी नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जाकर हमें मालूम होता है कि एहसान का जुज दाखिल हो गया है और अदल की तालीम मालूम होता है एक हद तक मुकम्मल हुई है। जैसा कि मैं बयान करूंगा, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी बनाई अदल की तालीम पर इमारत तामीर नहीं की है। आपने जब अदल का तसव्वुर पर बात की अल्लाह ताला के हुक्म से तो वो इतना फैल गया है मजमून और इतना वसी हो गया है और इतना हसीन हो गया है और इतना कामिल हो गया कि एक नजर डालकर इंसान उस अजीम शान इमारत पर आशिक हो जाता है और फिर उसमें एहसान पैदा किया और फिर उसमें इताज़िल कुर्बा का मजमून दाखिल किया। लेकिन गुज़श्ता अंबिया भी अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक अपने अपने हालात के मुताबिक अल्लाह को प्यारे थे और उनको भी बड़ी प्यारी तालीमें उस जमाने के हालात के मुताबिक दी गई। चुनाचे कुरान करीम हजरत मूसा की तालीम का खुलासा इन अल्फाज में बयान फरमाता है, वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफा बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन बिस्सिन वल जुरूह क़िसास فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ موسا کے زمانے میں ہم نے عدل کی تعلیم کو مزید مکمل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا دیا के किताब में तौरात में लिख दिया, फर्ज कर दिया कि किसी नफ्स का दूसरे नफ्स से फर्क नहीं होगा। नफ्स के बदले नफ्स होगी, नफ्स होगा। आंख के बदले आंख होगी, नाक के बदले नाक होगा, कान के बदले कान होगा, दांत के बदले दांत होगा। और जिस किस्म का भी जख्म किसी को लगाया जाएगा उसका बदला उतारने का हक दिया जाता है। देखिए कितना मामला फैल गया है और वसी हो गया है और अदल के तसव्वुर को बढ़ा दिया गया है ऊपर। और यहां एहसान का बीज थोड़ा सा बो दिया गया जिसने परवरिश पाकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तरक्की पानी थी। और वो इस तरह कि फमन तसद्दक बिही फहुवा कफारतुल्लाह, अगर सदका कर दो कुछ यानी बदला ना लो तो कफारा हो जाएगा। और कफारे में भी दरअसल अदल ही का मजमून है। जब जहां कुरान करीम माफी का मजमून दाखिल करता है वहां मजमून को बहुत ऊंचा बढ़ा देता है। मूसवी शरीयत में जो माफी का मजमून है वो भी लेन देन और तजारती इस्तलाहों में ही चल रहा है कि कफारा हो जाएगा उसके किसी और जुर्म का, इससे ज्यादा उसको एहसान की इजाजत नहीं है।
इस मजमून पे कायम होते हुए अदल ने तरक्की तो की, लेकिन वो ऐसी एक तरफा तरक्की हुई कि वो जुल्म में तब्दील हो गई, क्योंकि अदल है ही तवाज़ुन का नाम। अगर अदल की तालीम भी इतनी ज्यादा मुतशद्दिद हो जाए कि दूसरी तरफ का तवाज़ुन खो बैठे, तो वो सारी तालीम मिन हैसुल मजमू जुल्म बन जाती है। चुनांचे हजरत ईसा के जमाने में यही कैफियत थी बाइबल की, अदल पर जोर देते देते दिल पत्थर हो गया। कुरान करीम फरमाता है कि दिल पत्थर हो गया, जालिम हो गए, सफाक हो गए, माफी के नाम से नाशना हो गए, क्योंकि अदल को भी जब इंतहा तक पहुंचा दिया जाए इन मानों में कि बाज़ दूसरे अहम पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो वो खाली अदल इंसान के लिए काफी नहीं हो सकता। चुनांचे अदल का वो तसव्वुर जो आज इश्तराकी दुनिया में हमें मिलता है, लेकिन इसके मुतालिक तफसील से मैं बाद में बयान करूंगा, उसकी मिसाल भी वही है जो हजरत ईसा के जमाने में मूसवी शरीयत का हाल था। यानी अदल के नाम पर अदल की तालीम को ऐसा रुख दे दिया गया कि सारी तालीम कज हो गई, और उस तालीम के नतीजे में इंसान पर मजालिम होने लग गया अदल के नाम पर। बैन ही यही कैफियत हजरत मूसा की उम्मत की थी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी इसलाह के लिए पलटा दिया गया और दूसरे पलड़े में सब कुछ डाल दिया गया, यहां तक कि वो पलड़ा भरता रहा, फिर कुछ बराबर भी हुआ होगा, फिर आगे निकल गया, यहां तक कि एहसान के नाम पर बुजली और कमजोरी तो पैदा हो गई, लेकिन अदल फिर वहां भी बाकी ना रहा। और जैसा कि बाद आयात से वाजे है, आगे भी जिक्र आएगा, एहसान की इजाजत नहीं है अदल के खिलाफ। कोई इंसान यह समझे कि मैं एहसान करूं अदल के तकाजों को तर्क करके, तो वो बेवकूफ है। यह नामुमकिन है कि अदल के तकाजे पूरे किए बगैर एहसान किया जा सके। तो जब एहसान भी एक तरफा हो जाए तो वह अदल के बरखिलाफ हो जाता है। तो सवा का फादलक में इंसानी जिस्म को जिस तरह बनाया गया है उस पर यह मिसाल साजिश आती है। गर्म जरा कहा दीजिए, मसलन दो आंखों का जिस तरह खुदा ताला ने मुतवाजन बनाई है दोनों तरफ एक सिमेट्री के साथ, इस तरह मौजूद होना यह अदल की मिसाल है। और इनमें फिर आगे हुस्न पैदा होता है, और जब यह मोहब्बत से भर जाती हैं तो इताए दिल कुर्बान में दाखिल हो जाती है। लेकिन अगर एक आंख ना हो तो लाख उस पर मस्कारा लगाएं कि और चीजें चढ़ाएं, वो उस पर हुस्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि बुनियादी तौर पर अदल मौजूद नहीं है। तो फराइज और अदल या बुनियादी ढांचे ये एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम बन जाते हैं। तो यही हाल फिर बिचारी ईसवी तालीम का हुआ कि वो भी एक तरफ झुककर तराजू के तवाजुन को खो बैठी और मिजान से उतर गई, और उसके नतीजे में बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां आई। उनकी तफसील का यहां मौका नहीं है बयान करने का, लेकिन वो जब मजमून अपनी जगह पे आएगा तो इंशाल्लाह फिर बयान करूंगा। अब हम शरीयत इस्लामिया में दाखिल होते हैं, यानी शरीयत इर्तका करते करते हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला और अरफा मुकाम तक पहुंच गई है, और अदल का मजमून मोहम्मद मुस्तफा के कदमों को छूता हुआ आपको दिखाई देगा, और उसको आप जमीन से उठाएंगे और फिर कितनी बुलंदियां अता करेंगे, ये मजमून अब मैं शुरू करता हूं। कुरान करीम एक वाहिद किताब है जो अपनी तमाम बुनियादों को अदल पर मबनी करार देती है। यानी जब हम कहते हैं ये एक कामिल किताब है तो यूं ही ख्याली दावा नहीं है, यूं ही फर्जी बातें नहीं हैं। अगर मुसलमान को कुरान करीम का इल्म हो तो दुनिया की हर ताकत के सामने खुला चैलेंज में दे सकता है वो कि ठीक है निकाल के दिखाओ अपनी कुतुब से। यही वो चाबी है जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें पकड़ाई है, और इसी के नतीजे में हम दुनिया के सामने बड़ी जुरत के साथ और हौसले के साथ इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अब सुनिए,
قرآن کریم کے عدل کے عنوانات سنیے, کتنے پیارے عنوانات ہیں. فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. ساری حمد اللہ کو ہو جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے, لم یجعل له عوجا, اس میں ایک بھی کجی نہیں, ایک بھی جھکاؤ بغیر جواز کے نہیں پایا جاتا. یعنی ساری کتاب کا الف سے لے کر یہ تک تم مطالعہ کر جاؤ, ایک شوشہ بھی کجی کا اس کتاب میں نہیں دیکھے ہوئے, اتنی عادلانہ کتاب ہے. اور لم یجل لہو عوجا کی ضمیر عبد کی طرف بھی جاتی ہے, اگرچہ تراجم میں آپ صرف قرآن کی طرف اس کو لے جاتا ہوا دیکھتے ہیں, لیکن میں ثابت کروں گا قرآن کریم سے ہی کہ اس کی ضمیر اول طور پر بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے. دوسرے معنی یہ بنیں گے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, اپنے بندے پر کیسی پیاری کتاب اتاری, اور بندہ کیسا کامل ہے, لم یجل لہ عوجا, اس بندے میں کوئی کجی نہیں رکھی. اس بات کا ثبوت کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر جا سکتی ہے قرآن کریم میں موجود ہے. چنانچہ ایک سورت چھوڑ کر آگے سورہ طہٰ شروع ہو جاتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یتبعون الداعی لای وجلو, کہ جب دنیا میں پہاڑوں جیسی طاقتوں کو ہم تباہ کر دیں گے اور ان کے سارے تکبر توڑ کر ان کو ملیا میٹ کر دیں گے, تب وہ قومیں اس قابل ہوں گی کہ اس دائی یعنی محمد مصطفیٰ کی پیروی کر سکیں جس میں کوئی عوج نہیں ہے, کوئی لا عوج لہو کا محاورہ استعمال کرنا ہے. کیسی کامل, کیسی شاندار کتاب ہے. اس کے دونوں عنوانوں پر یہ نمایاں سائن بورڈ لگ گیا چمکتا ہوا روشن اور بیان, کہ نہ کتاب قرآن کریم میں تم کو عوج دیکھو گے تلاش کر کے دیکھ لو, اور نہ محمد مصطفیٰ کی ذات میں کوئی عوج دیکھو گے. پھر اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جس کو ہم نے سب دنیا کی ہدایت کے لیے بنانا ہے, اس لیے اس کا نور قومی نہیں ہو سکتا, اس کا نور جغرافیائی نہیں ہو سکتا. لازمن اسے ایسا نور عطا کیا جانا تھا جو جغرافیائی حدود سے بالا ہو. چنانچہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور یاد اللہ لنور من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ زمین آسمانوں اور زمین کا نور ہے, اور اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ اس کے نور کی مثل بیان کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ کا ذکر شروع فرما دیتا ہے, اور یہ مضمون اپنے انتہا کو یہاں پہنچتا ہے لا شرقیت ولا غربیہ. جس طرح خدا کا نور مشرق اور مغرب کے درمیان مشترک ہے, وہی ایک سورج جو شرق میں روشنی پیدا کرتا ہے وہی غرب میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے, اور دونوں کو برابر اپنے نور سے متمتع کر رہا ہے. اسی خدا نے جو اس سورج کا آقا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا,
لا شرقیت ولا غربیہ. جب دنیا مشرق و مغرب کے جھگڑوں میں مبتلا ہو جائے گی, جبکہ ایسٹرن بلاک اور ویسٹرن بلاک کی باتیں ہوا کریں گی, اس وقت اگر تم انصاف کی تعلیم چاہتے ہو, اگر اس وقت تم کجی سے پاک رسول کی پیروی چاہتے ہو, تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرو. اس کے سوا تمہیں کوئی تعلیم ایسی نہیں ملے گی جو شرقی اور غربی جھگڑوں سے پاک ہو. اب دیکھیے, جس شان کا رسول اسی شان کی امت بھی عطا فرما دی. ورنہ بعض دفعہ آقا آگے بہت بڑھ جائیں اور امتیں پیچھے رہ جائیں تو پھر بھی کام نہیں بنتے. فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کتنے احسان ہیں تم پر اے امت محمدیہ کہ ہم نے تمہیں امت وسطن بنا دیا. جیسا کہ تمہارے آقا کا نور تھا لا شرقیہ ولا غربیہ, اسی طرح تم امت وسط ہی بنائی گئی. اور یہ ایک ایسی شان ہے خدا تعالیٰ کی, اور ایسا تصرف ہے کہ آج تک وہ شرق اوسط ہی کہلاتی ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھوٹا تھا. دنیا یا مشرق میں بٹی ہوئی ہے یا مغرب میں, یا مشرقین میں بٹ گئی ہے, لیکن وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے ان کی صراط مستقیم ایک نسبتی صراط مستقیم تھی. ان کے آباء اجداد سے اس کا تعلق تھا, ان کی ذریات سے, ان کے بھائی بندوں سے, لیکن ایسا رسول اس سے پہلے کبھی نہیں آیا جس کی صراط مستقیم کا ساری دنیا سے تعلق ہو, اور وہ ساری دنیا کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر بیچ کی راہ تجویز کر رہی. ایسا رسول کب آیا؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. آج تک دنیا کی کسی کتاب نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ان کا نبی تمام دنیا کے لیے رحمت ہے. ہاں, قوم کے واسطے سے وہ باتیں کرتے رہے, اور آج تک قوم ہی کے واسطے سے وہ باتیں ان کی کتابوں میں محفوظ ہیں. آج تک دنیا کی کسی مذہب نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا, اور آپ یہ چیلنج کر سکتے ہیں ساری دنیا کو کہ ان کا رسول سب دنیا کے لیے نذیر ہے, یعنی متنبہ کرنے والا. اور جتنا مرضی کوئی تلاش کرے اشارتاً بھی یہ تعلیم دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی. اس لیے ان کے صراط مستقیم کی تنبیہات جو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں وہ ایک نسبتی تعلیم کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں. یعنی ہندو کے خلاف یوں کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی, عیسائی کے خلاف یوں کرو گے تو یہ سزا ملے گی, یہودی کے خلاف یوں کرو گے تو یہ سزا ملے گی. سارے سائن بورڈ ہی ایک نسبتی معنی رکھتے ہیں, مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراط مستقیم ساری دنیا کے لیے وسیع کر دی گئی ہے, اور اس میں انصاف کی ایسی اعلیٰ اور پاکیزہ تعلیم کر دے دی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی اس تعلیم کے اثر سے باقی نہیں بچتی. جب یہ تعلیم شروع ہوگی آگے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں لفظ بلفظ 100% یہ قرآن کریم پر مبنی دعویٰ کر رہا ہوں. مبالغے کا مجھ پر الزام نہیں ہو سکتا, ہاں یہ شکوہ ضرور ہوگا کہ تم نے پوری طرح یہ بات بیان نہیں کی. چنانچہ سب سے پہلے شریعت محمدیہ چونکہ دعویٰ یہ کرتی ہے کہ سب دنیا کے لیے ہے, اس لیے تعلیم میں ساری دنیا کے انسانوں کو ایک برابری عطا کرتی ہے, ورنہ دعوے میں اور تعلیم میں تضاد ہو جاتا جو انصاف کے خلاف ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف سیدھا کر لے. فطرت اللہ التی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اور یہ وہ دین تجھے عطا ہو رہا ہے جس پر سارے بنی نوع انسان کی فطرت کی بنیاد ہے. ہے کوئی دعویٰ اس قسم کا کسی کتاب میں؟ لا کے دکھائے تو صحیح. کتنے لوگوں نے اپنی حکمتوں اپنے خیالات کے مطابق آزادیاں بھی کر دی ہیں ان کتابوں میں. ہم کہتے ہیں ہمیں سب منظور ہے. ساری کائنات کے انسانوں کی سوچ کا جو خلاصہ تم بنا سکتے ہو اس میں یہ اس قسم کی کوئی آیت دکھا دو کہ سب دنیا کا رسول بنایا ہے تو تعلیم وہ دی جو سب دنیا کے انسانوں کو ایک مقام پر لا کے کھڑا کرتی ہے. فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ. اور چونکہ فطرت میں تبدیلی نہیں اس لیے شریعت میں بھی کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. دلیل بھی ساتھ قائم کر دی, یعنی زمانوں کا بھی رسول بنا دیا اور مکانوں میں بھی وسعت ادا کر دی. جہاں وہ تعلیم جو فطرت پر مبنی نہ ہو اور وقتی تقاضوں پر مبنی ہو اس کو لازماً تبدیل ہونا چاہیے, جیسا کہ پہلی تعلیمیں تبدیل ہوتی آئی ہیں. ان کی تبدیلی انصاف کے تقاضوں کے خلاف نہیں تھی, تبدیل نہ ہونا انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا, کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین کا جو رسول بنایا اور رحمان عالمین کے لیے رحمت بنایا اور نذیر بنایا, تو اس عالمین میں صرف مکان نہیں ہے, زمانہ بھی پایا جاتا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ ہم نے تجھے دین فطرت عطا کیا اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی. اسی مضمون کا ذکر کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحوذانہ او ینفرانہ او یمجسانہ. کہ خدا نے مجھے خبر دے دی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہو رہا ہے, اور کوئی دنیا کا بچہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ خدا تو نے مجھے غلط فطرت پر پیدا کیا تھا اس لیے میں تیری ہدایت کی راہ کو نہیں پا سکا. ہاں ماں باپ ان کو جو چاہیں بنا سکتے ہیں. اب فرائیڈ نے جب ریسرچ کی اور الٹے پلٹے نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے جن میں سے اکثر باطل بھی ثابت ہو چکے ہیں, تو چونکہ وہ اسلام کا بڑا دشمن تھا اس لیے اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے نیک بننا اور بد بننا, میرے اسکول بچے کر دو, میں جن کو چاہو گے میں بد بنا دوں گا ان کی تربیت کر کے, جن کو چاہوں گا نیک بنا دوں گا. تو دراصل وہ اسلام کے خلاف بات نہیں کر رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے بیان فرمودہ ایک اصول کی تائید کر رہا تھا. فابواہ ہو جو حمد آنے ہی اور جو نصر آنے ہی, ایک پاک صاف تختی لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت کی, اور لوگ اس کے خلاف تعلیم دے کر پھر اس کو بگاڑتے. پھر یہ ایسا رسول ہے جس نے مختلف زمانے کے انسانوں کے درمیان بھی ایک عدل کو قائم کیا. عدل دیکھیے کس طرح وسعت پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. فرماتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایک یہ بھی قوم تھی جو گزر گئی, جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ان کا خمیازہ وہ بھگتیں گے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے. ولکم ما کسبتم, تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کرو گے, اور ہم تمہیں مطمئن کرتے ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون, ہرگز نہیں پوچھے جاؤ گے ان باتوں میں جو تم سے پہلے بدیاں کر چکے ہیں.
عیسائیت کی تعلیم نے کتنا خوف کا وزن ڈال دیا تھا, خوف کے پہاڑ قائم کر دیے تھے انسان کے اوپر. پہلے لوگ تو چھوڑو, پہلے نبی کے گناہ کا اتنا بوجھ کہتے تھے پڑ چکا ہے کہ قیامت تک ارب ہاں ارب بچے پیدا ہوتے چلے جائیں, اس بوجھ سے آزاد نہیں ہوں گے. ہر شخص پوچھا جائے گا کہ آدم نے یہ کیوں کیا تھا. یہی مطلب ہے نا گناہ کا اولاد میں منتقل ہونے کا. یعنی آدم نے غلطی کر بیٹھا, توبہ بھی کر لی, معافی بھی ہو گئی, لیکن ایسا بوجھ ہے جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا. نسلن بادہ نسلن, جو آدمی مرے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا پردادا نے اس کا نام بھی اس نے نہیں سنا ہوگا, اس نے یہ گناہ کیا تھا, آؤ اب تو اپنی گردن پکڑاؤ گناہ کے نیچے. کتنے بڑے بوجھ سے آزاد کر رہا ہے یہ رسول, زمانوں کے بوجھ کو رد کر کے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتا ہے. ولا تسلون عما کانوا یعملون, وہ جو کیا کرتے تھے وہ آپ جواب دیں, تمہیں ان کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے, اپنی فکر کرو. کہ سب زمانوں کا رسول, سب جہان کا, کل تمام انسانوں کا رسول ہے. ایک اور رسول پیش فرماتا ہے, کہتا ہے نہ پرانوں کا بوجھ تم پر پڑے گا, نہ اس زمانے میں کسی انسان کا بوجھ کسی دوسرے کی طرف منتقل کیا جائے گا, بالکل بے خوف ہو جائے. لا تذر وازرۃ وزر اخرى وان تد مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. دیکھو کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی بوجھ کی طرف بلائی جائے گی تو کوئی بوجھ بھی اس کی طرف منتقل نہیں کیا جائے گا. ولو کانا ذا قربا, وہ کتنا ہی قریبی ہو جو بوجھ اٹھانے کے لیے آمادہ ہو. یہاں عیسائیت کے ایک اور غلط تصور کو باطل کر کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں حضرت مسیح چونکہ خود آمادہ ہیں اور بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں, اس لیے ایک کے بوجھ دوسرے کی طرف منتقل ہو جائیں گے, یعنی گناہ کی چھٹی کر دے دیجیے. تو اسی آیت میں دونوں نظریوں کو ایک ہی وار میں کاٹ کے پھینک دیا گیا. ایک جان کا بوجھ دوسری جان کی طرف منتقل نہیں کیا جائے گا, اس لیے تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی اور گناہ کرتا ہے تم اپنی فکر کرو, اور اگر کوئی چاہے بھی کہ کسی کا بوجھ اٹھا لے یا بلایا جائے کسی اور کا بوجھ اٹھانے کی طرف, تو یہ بھی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر حال اور مستقبل کے درمیان ایک عدل کو قائم کرتا ہے. کون سی چیز ہے جو قرآن سے باہر ہے؟ نہ زمانہ باہر ہے, نہ مکان باہر ہے, نہ کوئی تصور باہر ہے. چھوٹی سی کتاب ہے, ہر چیز پر محیط ہوئی ہوئی ہے. فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, تم جو برے اعمال آگے بھیجو گے اگلی نسلوں پر وہ بوجھ نہیں پڑے گا, تم پر پڑے گا. اس لیے ہم تمہیں متنبہ کرتے ہیں, اگر اگلی نسلیں خود مبتلا ہوں گی اس گناہ میں تو ٹھیک ہے, وہ گناہگار ہوں گی, لیکن اگلی نسلوں کو گناہگار کرنے کے لیے جو تمہارے اعمال ہیں ان کے جواب دے تم ہو گے. اس لیے اس زمانے کی بدیوں کی ذمہ داری کو اگلے زمانے میں منتقل کرنے سے بھی روک دیا گیا, یعنی ماضی سے بھی انسان کو آزاد کر دیا اور مستقبل سے بھی آزاد کر دیا. عجیب کتاب ہے. پھر مستقبل والوں کو بھی تسلی دی, جس طرح حال والوں کو تسلی دی تھی کہ گزشتہ کا بوجھ تم پر نہیں پڑے گا, مستقبل والوں کو بھی آزاد کر دیا کہ آج کے لوگ جو عمل کر رہے ہیں ان کا تم پر بھی نہیں پڑے گا. فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
बाद अनेक लोग होते हैं ऐसी औलाद पीछे छोड़ जाते हैं जो बदियों में मुबतला हो जाती है। खलफा में बाद खलफुन, उसके बाद ऐसे लोग उनके वारिस हुए, अजाउ सलाता व तबउ शहवात, उन्होंने पैरवी की, शहवात की, उन्होंने अपनी बातों को जाया किया। फसौफा यलकौना गैया, वो अपनी बदी का बदला लेंगे, उनके मां बाप को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कैसे वैल्व लगाए हुए हैं हाल के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर, माजी के अंदर, जमानों के अंदर, इतनी साइंटिफिक तालीम। और कहते हैं अरब के एक चरवाहे ने अपनी तरफ से बना ली, वो भी उम्मीदीन में से जो सारे जमाने में से जाहिलों का मुल्क कहलाता था। जहालत की भी कोई हद होनी चाहिए। सारी दुनिया की ताकतों के उलमा मिलकर तो ये तालीम बना ना सकें, और अरब के एक ऐसे बाशिंदे ने जो आज से 1400 साल पहले दिन गुजार रहा था, उम्मीदों में से एक था, उसने इतनी कामिल तालीम बना ली और इतनी मुतवाजन और इतनी एक दूसरे के साथ रब्त रखने वाली तालीम। अब देखिए ये तालीम कितनी आगे वसी होती चली जा रही है। एक किताब है सिर्फ कुरान करीम, और मैं फिर इस चैलेंज को खोलकर आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप दुनिया के सामने जब कहते हैं कि हमारी किताब आला और अफजल और कामिल है तो मिसालें आपके पास होनी चाहिए। सारी दुनिया की किताबों में सिर्फ एक किताब है जिसने यह दावा किया हो कि दुनिया में दूसरी जगह पर भी खुदा के सच्चे रसूल आए थे, और सिर्फ अपने ही मां बाप के मुतल्लिक बिद्रम सुल्तान बूत के गीत ना गाए। एक भी किताब आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो रसूल आलमी रसूल नहीं थे, उनकी तालीम सब दुनिया के लिए थी ही नहीं, उनको जिक्र ही कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं थी उस जिक्र की जिनसे उनका ताल्लुक नहीं, वो अदल के खिलाफ हो जाता। यानी वहां अदल के तकाजे ये थे कि जिन मामलात में तुम्हारा दखल कोई नहीं वहां तुम बातें क्यों करते हो। उसकी पंजाबी में कहते हैं ना, जेड़े पिंड नहीं जाना उधर राह ही पूछना। तो जितने भी पुराने आए थे वो इन पिंडों में जाने वाले थे ही नहीं, इसलिए उसका रास्ता ही नहीं उन्होंने पूछा। एक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनके सुपुर्द सारी दुनिया की कौमें और सारी दुनिया की बस्तियां की जाने वाली थी, इसलिए सबके रास्ते आपने बताए, पूछे नहीं, बताए दुनिया को। चुनाचे कुरान करीम फरमाता है वइन मिन उम्मतिन इल्ला खलासिया नज़ीर, कि जमाने के लिहाज से भी हमने इंसाफ से काम लिया है। और किसी जमाने का इंसान, उम्मत से मुराद है जो किसी जमाने में बसने वाली कौम, किसी जमाने का इंसान ये शिकवा नहीं कर सकता कि ऐ खुदा फलां के लिए तो तूने निगरान खबरदार करने वाले भेज दिए और हमारे लिए कोई नहीं भेजा। हर जमाने के साथ मुसावी सुलूक किया गया। फिर फरमाया जहां तक कौमों का ताल्लुक है वलकुल कौमिन, हर कौम के लिए हादी भेजें। लोग या जमानों में बटे हुए हैं या कौमों में बटे हुए हैं या फिर जुग्राफियाई तकसीमों में बटे हुए हैं, यानी बस्तियों में। और कुरान करीम जिस जमाने में नाजिल हो रहा है उस जमाने में तो जुग्राफियाई तकसीम होती बस्करियों के जरिए थी, ये फलां का करिया, ये फलां का करिया, ये फलां का करिया। तो फरमाता है कि ना कौमी तफरीक की है ना जुग्राफियाई तफरीक की है। उन्होंने फरमाया मिन कर्यतिन इल्ला मुंगरून जिक्रा मा गुन्ना ज़ालिमीन। देखिए अदल के मज़मून को खोलकर सामने रख दिया, इन इशारों में बातें नहीं रहने दी। सिर्फ फरमाया कि देखो हमने जितनी भी बस्तियां गुजरी हैं दुनिया के पर्दे पर, उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसको हमने हलाक किया हो लेकिन उससे पहले वार्निंग न दी हो, नजीर न भेजे हो, डराने वाले न भेजे हो। जिक्रा, वो मुजस्सम नसीहत थे वो आने वाले। वो मा कुन्ना ज़ालिमीन, बस हम एक आदिल खुदा हैं और हम पर जुल्म का इल्जाम नहीं लग सकता। बस वो खुदा जो मोहम्मद मुस्तफा पर जाहिर होता है
वो तमाम जमानों के दरमियान इंसाफ करने वाला खुदा है, तमाम कौमों के दरमियान इंसाफ करने वाला खुदा है, तमाम बस्तियों के दरमियान इंसाफ करने वाला खुदा है, क्योंकि तमाम बस्तियों के दरमियान हकम और अदल बनाकर इस रसूल को भेजा जाने वाला है। ज्यादा वक्त क्या इजाजत अब वक्त क्या है नहीं जी मेरे अंदाजे देखें कितने गलत हैं। मैंने कहा था ना कि मैंने एक तिहाई भी नहीं रहने दिया इस आयत का मजमून, इस ख्याल से कि इस थोड़े से अरसे में मैं इतना बयान नहीं कर सकूंगा, वक्त नहीं होगा, तो जितना किया था उसका निसब भी नहीं हुआ अभी, और मौलवी अब्दुल मालिक खान साहब फरमा रहे हैं कि वक्त हो गया। इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा वक्त हो गया क्या मतलब, वक्त हमारा अपना है। एक मिनट अभी तो वो जिक्र ही शुरू नहीं हुआ था जिसने लहू को गर्म करना है, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बातें, किस तरह अदल को कायम करते हैं, कैसी पाकीज़ा तालीम आगे बढ़ाते हैं अदल की, और अभी वक्त हो गया। मैंने कहा क्या मतलब वक्त हो गया, हम सारे अपने ही हैं, हमें फर्क क्या है, बैठे रहेंगे रात जितनी गुजर जाए। तो मौलवी साहब ने एक ऐसी बात बता दी है जिसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। फरमाते हैं हमारे वक्त पर कुछ इख्तदार हुकूमत को भी तो है, उन्होंने इजाजत नहीं दी 5.5 से ज्यादा लाउडस्पीकर चलाने की, इसलिए मजबूरी है, इसलिए मुझे अब बहरहाल खत्म करना पड़ेगा। कहते हैं अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, हमारी मजलिसें जिंदा और पाइंदा रहें, बार बार मिलने के मौके मिलते रहें, इंशाल्लाह ताला उस मज़मून को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक मिनट एक एक मिनट बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मेरा दिल चाहता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पर यह बात खत्म हो, यानी बराह रास्त जिक्र पर। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो मैं बयान कर रहा था कि अदल की तालीम इतनी आम हो गई है कि जमानों पर मुहित है, इंसानों पर मुहित है, बस्तियों पर मुहित है, और कोई हिस्सा बाकी नहीं रहने देती। वहां ये पहलू भी दिलचस्प है कि आलमीन में जानवर भी आ जाते हैं और बेजान चीजें भी आ जाती हैं, उनके भी हकूक कायम किए गए हैं। इतनी हैरत अंगेज तालीम है। तफसील तो इंशाल्लाह बाद में बयान करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अदल के मुकाम को नहायत बारीकियों तक ले जाने का मैं आपके सामने पेश करने के लिए दो मिसालें रखता हूं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट को देखा जो लागिर था, आपने उसके मालिक को बुलाया और अंदाज देखे कितना प्यारा है नसीहत का, फरमाया तेरे ऊंट ने तेरे खिलाफ शिकायत की है, क्या बात है। वो समझ गया कि मैं इसको भूखा रखता हूं और उसकी जरूरत मुतवज्जे हो गया, तो रहमतुल आलमीन था जिसने उस जानवर का भी ख्याल किया। एक आजाद परिंदा फिजा में उड़ रहा था, उसकी एक दर्दनाक चीख आपने सुनी, आप बेकरार हो गए और पूछा क्या हुआ है इस परिंदे को। किसी ने कहा किसी ने इसके अंडे निकाल लिए हैं घोंसले से, या बच्चे निकाल लिए हैं, बच्चों का गालिब बनाता है कि बच्चे निकाल लिए। हां हजरत उसने फरमाया कोई मां उसके बच्चों से दुख ना दी जाए, वापस रख दो वहां जाए, चुनाचे वो बच्चे वहां वापस रख दिए गए। इतनी बारीकी थी आपकी अदल की तालीम में और अदल की तामील के नफाज में कि आपका जो दस्तूर था उसको तब्दील नहीं फरमाया करते थे, बड़ा हो या छोटा एक सलूक करते थे सबसे। हाँ एहसान का मामला बिल्कुल अलग है, वो मैं अलग बयान करूंगा बाद में, इन दोनों के अंदर निस्बत क्या है और कहां अदल की खत्म होती है और एहसान की शुरू होती है। हां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर यह था कि दाई तरफ से पेश किया करते थे खाना वाना, जो चीज भी हो अगर मजलिस बैठी हो तो हमेशा दाईं तरफ से शुरू करते थे इत्तेफाक से,
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا میں احسان کروں, لیکن جانتے تھے کہ عدل کے تقاضے چھوڑ کر احسان کا کسی کو حق نہیں. اس دائیں طرف بیٹھے ہوئے غلام سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس طرف سے نہ شروع کر دوں. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر تو اختیار ہے مجھے تو آپ کے دیے ہوئے کو میں چھوڑ نہیں سکتا, میں بھی مجبور ہوں. اب ہمارا ٹھیک ہے, تمہارا ٹھیک ہے, اسی کو پہلے دیا. ایک اور بہت باریک لطیف مثال یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب حضور صفی بن رستم آ رہے تھے تو اس وقت ایک سپاہی نسبتاً ذرا آگے نکلا ہوا تھا, وہ درست کرتے ہوئے تیر کی ایک نوک اس کے پیٹ کو لگی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی, آپ کا تیر میرے پیٹ پہ لگا. اب دنیا کی قوموں میں بڑے بڑے سپہ سالاروں کی آپ نے داستانیں سنی ہوں گی, اگر کوئی سپاہی اس قسم کی بات کرے کسی جرنیل کے سامنے تو وہیں شوٹ کر دیا جائے. اس کا کم از کم یہ ہو کہ اس کے ساتھ کورٹ مارشل ہو جائے اور اس کے خلاف غداری کا مقدمہ ہو کہ میدان جنگ میں وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل دیکھیے کہ اسی وقت اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا اور فرمایا کہ ہاں میں نے تمہیں دکھ دیا ہے, تم اپنا بدلہ اتارو اور یہیں مجھے مارو جہاں تمہیں تکلیف پہنچی. وہ صحابی جھپٹے اور جھک کر اس جگہ بوسا لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمٹ گئے اور بوسا لیا, اور عجیب چہرے پر تمانیت تھی جب وہ جدا ہوئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کس بات نے یہ حرکت کرنے پہ مجبور کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے آقا, میں شہادت کا شوق لیے ہوئے آیا ہوں, میں نہیں جانتا کہ پھر آپ کو دیکھ سکوں گا کہ نہیں دیکھ سکوں گا. میرے محبوب, اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا جو خدا نے میرے لیے انتظام کر دیا, تو میں تو اس بوسے کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں. اور تمام کائنات کے مسائل کا حل عدل کے قیام سے وابستہ ہے. اس لیے تمام جماعت کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں عدل کے استحکام کے لیے کوشش کرنے شروع کر دیں. اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی احمدی ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو عدل کی تعلیم دیں. ساری دنیا کی مصیبتوں اور ہلاکتوں کا صرف ایک علاج ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک تعلیم عدل کو نافذ کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو, آپ کو خیر و برکت کے ساتھ واپس لے کے جائے اور ساری جماعت کو عدل کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ عدل پہ قائم ہو جائیں گے تو حسن و احسان کا ایک ایسا سمندر آپ کی ذات میں سے پھوٹ پڑے گا جو ساری دنیا کو اپنی طرف کھینچ لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا کر لیجئے, دعا